सही है। तो आज हम बैकएंड के बारे में पढ़ने वाले हैं मित्र। बैकएंड क्या होता है? चलो मित्रों, मुझे को बता सकते हैं कि बैकएंड क्या होता है? एनीवन, क्या होता है बैकएंड? क्या होता है बैकएंड? भैया हमने क्या बोला, आपने जब कोर्स स्टार्ट किया था तब आपने एक मैकेनिज्म बताया था, एक एक मॉडल बताया था, जहां पे एक गोले के अंदर हमने लिखा था क्लाइंट, एक गोले के अंदर हमने क्या लिखा था सर्वर, ऐसे कुछ था, एक ऐसा कुछ मॉडल आपने बताया था। मैंने कहा हाँ बढ़िया, बिल्कुल बताया था, राइट। या फिर इसको मैं ऐसे बता सकता हूं कि मेरे पास जो है एक एंटिटी है जिसका नाम मैंने रख दिया फ्रंट एंड, एक एंटिटी है जिसका नाम मैंने रख दिया बैक एंड। आप ध्यान समझते हैं कि बैक एंड है क्या। मैंने बोला फ्रंट एंड क्या है, जो सुंदरता आप वेबसाइट में देख पा रहे हो, जो स्टार्टिंग में देख पा रहे हो, यहाँ पर ब्लू कलर है, यहाँ रेड कलर है, यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ बटन लगा हुआ है, ये स्लाइडर लगा हुआ है, वो सारा का सारा यूआई जो आप देख पा रहे हैं वो क्या है, फ्रंट एंड जो आप देख पा रहे हैं। जैसे गाड़ी अगर आप लेते हैं, कार की बात करो, तो आप जो उसकी बॉडी देख पाते हैं, बॉडी लाइन आप देख पाते हैं गाड़ी की, वो क्या होता है, उसका फ्रंट एंड होता है, कि पेंट कौन सा है, कैसी बॉडी शेप है, वो फ्रंट एंड आएगा। पर उसके अंदर जो इंजन है वो क्या कहलाता है, इंजन बैक एंड कहलाता है। वैसे ये फ्रंट एंड से विजुअल वाला पार्ट है कि विजुअली ऐसा कुछ कुछ चल रहा है, अंदर की पूरी प्रोसेसिंग, कैसे आपका डेटाबेस के साथ इंट्रैक्शन हो रहा है, क्या आपका बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है, वो सारा का सारा लॉजिक, सारा का सारा ब्रेन, सारा का सारा डेटाबेस इंट्रैक्शन किसके अंदर होता है, बैक एंड के अंदर होता है। तो यूजर जो होता है, यूजर हमेशा फ्रंट एंड से इंटरेक्ट कर रहा होता है, और फ्रंट एंड जो होता है वो बैक एंड से लिंक्ड होता है। क्या बात समझ में आती है भैया? कोड भी होगा? हाँ बिल्कुल कोड भी होगा, सब कुछ होगा दोस्त, ठीक है। सो हमने क्या बोला कि मैं facebook.com अगर चला रहा हूं तो मैं तो उसके यूआई के साथ खेल रहा हूं ना, मैं तो बटन्स प्रेस कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ, मैं तो फ्रंट एंड के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं बैक एंड के साथ इंटरेक्ट थोड़ी कर रहा हूँ। जो मेरा फ्रंट एंड है वो इंटरेक्ट कर रहा है बैक एंड के साथ, कि भाई ये वाली एपीआई का एक्सेस दे दो, ये वाली एपीआई कॉल कर दो, ये वाला डेटा ला के दे दो डेटाबेस से, ये वाला डेटा अपडेट कर दो डेटाबेस के अंदर, ये वाला डेटा डिलीट कर दो डेटाबेस के अंदर। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? वो बैकएंड कहलाएगा, वो बैकएंड कहलाएगा, ठीक है। तो जो आपकी पूरी की पूरी फंक्शनिंग है, जो पूरा का पूरा आपका ब्रेन है, वो कहां पर है, वो बैकएंड के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो यूआई वाली चीजें हैं, स्टाइलिंग वाली चीजें हैं, अपीयरेंस वाली चीजें हैं, वो सारी फ्रंट एंड के अंदर आएगी। तो सारी बिहेवियर वाली चीजें हैं, फंक्शनैलिटी वाली चीजें हैं, ब्रेन वाली चीजें हैं, वो सारी बैकएंड के अंदर आएगी। क्या ये बात क्लियर है हमें? क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बोला कि आपने ऐसा कुछ देखा था, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, ठीक है। जब मैं नेटवर्किंग पढ़नी मैंने शुरू करी, या फिर हम वेब के बारे में थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल था, हमारे मित्र ने हमें सिखाया, ठीक है, वो भी किसी यूट्यूब वीडियो से देख के आया था, ठीक है। पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है पर समझ में अच्छे से आता है इसे, राइट। तो एग्जाम्पल क्या कहता है कि लेट से कि मेरे मैसेंजर ऐप में, लेट से कि मेरे पास एक ऐप है, ठीक है, ये मेरा लेट से फेसबुक मैसेंजर है, ये मेरा लेट से फेसबुक मैसेंजर का ऐप है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास एक लिंक पड़ा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास एक लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक लिंक है, ये एक लिंक है, ठीक है। लेट से कि 20% डिस्काउंट का लिंक है, मेरे पास 20% डिस्काउंट का लिंक आया किसी भी तरीके का, ठीक है। तो ये एक लिंक है। अब जब मैं इस लिंक पे प्रेस करता हूं मित्रों, जब इसको मैं क्लिक करता हूं, तो क्या होता है, क्या बिहेवियर होता है आपके द्वारा, कोई भी लिंक पे मैं क्लिक करता हूं तो उस क्या बिहेवियर होता है भैया? वो लिंक जो है वो आपके ब्राउजर के ऊपर एंटर होता है, जो भी होता है वो लिंक जो है किसी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा मुझे, यस और नो, राइट, किसी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। पर मैंने बोला इसको थोड़ा सा और इन डेप्थ बिहेवियर में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट जाने वाली है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, सो बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट जाने वाली है। HTTP क्या होता है? अब एक HTTP क्या होता है भैया? एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? इसके फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या काम है इसका, काम क्या है, नीड क्या है इसकी? मैंने क्या बोला कि जो मैंने क्लाइंट सर्वर वाला मॉडल समझा हुआ है ना अपना, जो मैंने अपना क्लाइंट सर्वर वाला मॉडल समझा हुआ है, क्या मॉडल था वो, कि क्लाइंट ने कोई एक चीज रिक्वेस्ट करी सर्वर को, सर्वर ने वो सारी की सारी कंप्यूटेशन लगाई, सर्वर ने वो सारा का सारा लॉजिक लगाया, सर्वर ने वो सारे के सारे डेटाबेस इंटरेक्शन करी, और उसने रिस्पॉन्स दे दिया आपके क्लाइंट को। तो ये जो क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन होता है, इसमें HTTP की नीड हमें पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ HTTP के द्वारा ही आप क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन कर सकते हो, मैं कह रहा हूं HTTP से भी क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन आप कर सकते हो, राइट। सो HTTP के द्वारा आप बेसिकली
कम्युनिकेशन कर पा रहे हो। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, एक स्टैंडर्ड तरीका आपने डिफाइन कर दिया, आप जितने भी लोग आएंगे सेम स्टैंडर्ड तरीका यूज करेंगे। ठीक है, मैंने प्रोटोकॉल क्या बोला कि आपको सीढ़ियां हमेशा वन बाय वन चलनी है, तो स्टैंडर्ड तरीका डिफाइन हो गया। सीढ़ियां चलने का तरीका क्या हो गया, पूरा देश पूरी दुनिया वन बाय वन चलेगी। लेट से मैंने प्रोटोकॉल डिफाइन कर दिया कि दो का जंप ले लेके सीढ़ियां डिफाइन जंप करनी है, तो पूरा का पूरा देश दो का जंप ले लेके सीढ़ियां चढ़ेगा। उसी प्रकार ने जब मैं आपको बोलता हूँ कि HTTP एक प्रोटोकॉल है, तो हमने एक स्टैंडर्ड वे डिफाइन कर दिया इंटरनेट पर, वेब पर क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेट करने का। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है? तो हमें पता लगे HTTP कुछ नहीं है, HTTP एक प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड तरीका है कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्या बात समझ में आती है, सेट ऑफ रूल्स कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ध्यान समस्या वापस आते हैं। तो मैंने बोला कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप सभी बच्चों ने मुझे क्या बोला कि ये मुझे वेबसाइट पर ले जाता है, ये मुझे वेबसाइट पर ले जाता है, पर इसके पीछे बहुत सारी कहानी है। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ये कोर्स आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग का नहीं है, ये कोर्स आपका वेब डेवलपमेंट का है, दोनों में डिफरेंस राइट। मैं नेटवर्किंग की डेप्थ में नहीं जाऊंगा, पर मैं तुम्हें फिर थोड़ी चीज बताऊंगा। ठीक है, HTTP शायद तुम्हारा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है, एक बार वेरीफाई कर लेना इसको। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, तो एक बार OSI मॉडल पढ़ना क्या होता है, उसके अंदर देखना कौन कौन सी लेयर होती है। तुम्हारी होती है PDNTSPA, फिजिकल लेयर, डेटा लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर्स आपकी OSI मॉडल के अंदर होती है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्त, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, बढ़िया, नहीं तो हम इसकी सीरीज बनाएंगे, तो आप वहां से पढ़ लेना, फ्री होगा वो सब कुछ। ठीक है, सो हमने इस पे क्लिक किया, ये मुझे वेबसाइट पर ले गया। ये है एब्स्ट्रैक्ट लेवल की बात करना, कि जब मैं इस पे लिंक पे क्लिक करता हूँ तो एब्स्ट्रैक्ट तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये मुझे एक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देता है, एक वेबसाइट रेंडर हो रही होती है मेरे ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, चलो समझते हैं क्या है। अब मैंने क्या बोला कि 20% डिस्काउंट पे जब मैंने क्लिक किया, इसके बाद क्या हुआ, ध्यान सुनना, हमने क्या बोला यहां पर, अब OS ने डिसाइड करना है कि करना क्या। भाई OS ने कहा भाई ये तो लिंक है, तो लिंक के लिए OS ने क्या बोला, लिंक के लिए OS ने क्या बोला कि भाई लिंक तो एक ही तरीके से खुल सकता है। कैसे खुलता है, लिंक तो ब्राउजर पे खुलेगा। तो OS ने चेक किया कि तुम्हारा डिफॉल्ट ब्राउजर क्या है, अगर डिफॉल्ट ब्राउजर सेट नहीं है तो OS ने तुम्हें ऑप्शंस दे दिए कि भाई ये सारे ब्राउजर हैं, तुम देख लो किसके ऊपर तुम ओपन करना चाहते हो। और लेट्स से तुमने बोला कि तुम क्रोम के ऊपर ओपन करना था, तो क्रोम तुमने सिलेक्ट कर दिया, तो अब क्रोम के पास तुम्हारा ये लिंक आ गया। क्रोम के पास क्या आया, क्रोम के पास तुम्हारा ये लिंक आ गया कि भाई मुझे इस लिंक को ओपन करना है। क्या क्रोम जानता है, क्या क्रोम जानता है ये कि decodehelp.in/200D करके, 200D मान लो डिस्काउंट कूपन है, ऐसा करके लिंक बना पड़ा तुम्हारा HTTP करके। ठीक है, तो क्या कोड है, क्या ये लिंक जानता है क्या होता होगा, नहीं, क्रोम को थोड़ी पता है इस लिंक का मतलब क्या है। क्रोम नहीं जानता दी कोड है का मतलब क्या होता है या 200D का मतलब क्या होता है, उसको नहीं पता। क्रोम क्या जानता है, ब्राउजर क्या जानता है, ब्राउजर कहता है सुनो मुझे ये वर्ड वगैरह मत बताओ, मुझे तुम बताओ आईपी एड्रेस, मुझे तुम बताओ आईपी एड्रेस। तो ब्राउजर जो है उसको तुम आईपी एड्रेस दोगे तो वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन ला के दे देगा उस सर्वर से, पर तुम आईपी एड्रेस नहीं दोगे तो बैठ रहेगा चुपचाप। तो इस लिंक को या फिर इस टेक्स्ट को मैं आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कैसे करूं, इस लिंक को मैं आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कैसे करूं, तो तुम्हारा एक प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं डोमेन नेम रेजोल्यूशन, डोमेन नेम रेजोल्यूशन। ठीक है, उसके द्वारा हम क्या, हमने क्या किया, उसके द्वारा हम आईपी एड्रेस लेके आ गए, उसके द्वारा हम आईपी एड्रेस लेके आ गए। अब मेरे पास आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है, अब मेरा ब्राउजर, ये आईपी एड्रेस किसका है, ये आईपी एड्रेस किसका है भाई, किसका है ये आईपी एड्रेस, आ गया वेबसाइट का, वेबसाइट का या सर्वर का, एक ही बात है भैया, सर्वर का। तो जो codehelp.in वेबसाइट है ना, वो कहां पर होस्टेड होगी, किसी कंप्यूटर पर ही होस्टेड होगी ना भाई। उस कंप्यूटर को मैं क्या बोल रहा हूँ, उस कंप्यूटर को मैं सर्वर बोल रहा हूँ। तो ये जो आईपी एड्रेस है किसका है, ये आईपी एड्रेस उसी पर्टिकुलर सर्वर को आइडेंटिफाई करने के लिए। दोबारा देखो क्या हुआ, लिंक था, लिंक पे क्लिक किया, OS ने डिटरमाइन किया कि कौन से ब्राउजर पे रन करना है, ब्राउजर के पास लिंक आया, ब्राउजर लिंक समझता नहीं, उसने क्या किया लिंक को कन्वर्ट कर दिया डोमेन नेम रेजोल्यूशन का यूज करके आईपी एड्रेस में। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, डिटेलिंग में जाएंगे तो आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सर्वर का आईपी एड्रेस, हो सकता है कि ये एक लोड बैलेंसर का आईपी एड्रेस हो सकता है कि यहाँ पे एक रिवर्स प्रॉक्सी लगी हुई हो सकता है, बहुत सारे सिनेरियो एग्जिस्ट करते हैं, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि मान लो तुम्हें सर्वर का आईपी एड्रेस मिल चुका है। ठीक है, अब सर्वर का आईपी एड्रेस मिल चुका है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है, अब मुझे ये पता लग गया कि मेरा सोर्स कौन है, सोर्स क्लाइंट तो मैं ही हूं ना भाई, और मुझे ये पता लग गया कि मेरा सर्वर कौन है। ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट गई, तो HTTP रिक्वेस्ट से मुझे पता लग गया कौन से पोर्ट नंबर पे गेम चल रही होगी, और यहाँ पे सर्वर का आईपी एड्रेस मिल गया।
आपको सर्वर का आईपी एड्रेस मिल गया, आपको एचटीटीपी, आपको सर्वर का पोर्ट नंबर मिल गया, आपको सोर्स की डिटेल तो ऑलरेडी पता ही होगी, राइट? सोर्स की डिटेल ऑलरेडी पता है, सर्वर का आईपी एड्रेस ऑलरेडी पता लग गया, सर्वर का पोर्ट नंबर पता लग गया जहां पर ये कम्युनिकेशन होने वाली है। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। अब हमने क्या किया, अब मुझे क्लाइंट की डिटेल पता है और मुझे सर्वर की डिटेल पता है, तो अगला काम मैंने क्या किया, मैंने कनेक्शन एस्टैब्लिश किया। बहुत बढ़िया, तो मैंने कनेक्शन एस्टैब्लिश किया। अब कनेक्शन एस्टैब्लिश कैसे होता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश किया तुम्हारे पास फिर दोबारा दो तरीके हैं, वो क्या है, हम टीसीपी के द्वारा कर सकते हैं और देखो बहुत सारी टर्म्स ऐसी होगी इसमें जो तुम डरोगे कि अरे यार ये क्या बोल रहा है, डोमेन नेम क्या होता है, ये आईपी एड्रेस क्या होता है, ये एचटीटीपी क्या होता है, अब ये टीसीपी कनेक्शन क्या होता है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें लग सकता है कि क्या बात हो रही है, राइट? ये नेटवर्किंग की टर्म्स है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के, कंप्यूटर नेटवर्किंग एक सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट होता है आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, उसके अंदर की सारी टर्म्स है। तो इसके अंदर, इसके डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, अगर तुम्हें ये समझ में आती है बहुत बढ़िया, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही कृपया करके इनके ऊपर गूगल सर्च करें और पढ़ें क्या होता है, राइट? ठीक है, बहुत बेकार सब्जेक्ट है, ठीक है। चलो, मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट यही था भाई, ओएस में सही था मैं, बड़े बढ़िया था, उसमें ही बढ़िया था, डीवीएम से ही बढ़िया था, सबसे वीक यही था, सब बोरिंग ही होता था ना, इसमें कुछ था नहीं इंप्लीमेंटेशन का यार, अब इंटरेस्टिंग लग रहा है पता नहीं क्यों मुझे, ठीक है। चलो, तो टीसीपी कनेक्शन हमने एस्टैब्लिश कर लिया, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक हैंडशेक करके मेथड होता है, हैंडशेक करके होता है, उसको हम कहते हैं थ्री वे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सब कुछ, मैं बता रहा हूँ, कुछ से गूगल सर्च करोगे, ठीक है, इसको हम कहते हैं थ्री वे हैंडशेक, तुम हैंडशेक करके कनेक्शन एस्टैब्लिश करवाओगे, ठीक है, तुम एनक्रिप्शन भी करोगे, जो भी तुमने डेटा लिखा हुआ उसका एनक्रिप्शन करोगे, ताकि कोई बीच में, अगर जब मैं अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ तो कोई बीच में इंटरसेप्ट करके ये पता ना लगा ले कि हम क्या काम कर रहे हैं, राइट? तो यहां मुझे क्या पता लग गया, इतना काम होने के बाद मुझे क्या पता लग गया, इसके बाद मेरी गेट रिक्वेस्ट रेडी होगी। अब यहां पर आकर मेरी गेट रिक्वेस्ट रेडी हुई है। अब देखते शुरू से एक बार क्या हुआ, ध्यान से देखते हैं। हमने बोला किसी व्यक्ति ने आकर इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया, इससे हम जानने की कोशिश कर रहे कि क्या होगा। जैसे इस लिंक पे क्लिक किया, ओएस ने डिसाइड करना है कि इस लिंक के साथ क्या करना है। ओएस को पता है कि लिंक कहां पर खुलेगा, ब्राउजर के ऊपर। ओएस ने क्या बोला कि भाई डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन कर दो लिंक को, या फिर इसको ऑप्शन दो कौन से ब्राउजर में ओपन करना चाहता है, वो हिसाब से लिंक ओपन हो जाएगा। तो लेट्स हमने क्रोम चूज कर लिया, क्रोम के पास ये लिंक आ गया। क्रोम तो टेक्स्ट जानता ही नहीं ना भाई कि लिंक से क्या होता है, तो क्रोम ने इस लिंक को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक आईपी एड्रेस के अंदर, जो कि तुम्हारे सर्वर का आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। अब तुम्हें सर्वर का डेटा मिल गया, सर्वर के बारे में जानकारी मिल गई, सर्वर का एड्रेस मिल गया, और तुम सोर्स एड्रेस, तुम्हारा क्लाइंट का एड्रेस तुम्हें पता ही है, क्लाइंट तुम खुद ही हो, सर्वर का एड्रेस तुम्हें पता लग गया। तो तुमने क्या किया, क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया बाय यूजिंग थ्री वे हैंडशेक। जैसे ही ये काम खत्म हो गया, आपकी गेट रिक्वेस्ट अब रेडी है, अब आप तैयार हैं एक रिक्वेस्ट मारने के लिए आपके सर्वर को। अब आप एकदम तैयार हैं एक रिक्वेस्ट मारने के लिए आपके सर्वर को। अगर आपको यहां पर इसके बारे में नहीं पता कि ओएस तो पता ही आपको, अगर आपको इस कारण नहीं पता डोमेन रेजोल्यूशन क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, टीसीपी क्या होता है, थ्री वे हैंडशेक क्या होता है, एनक्रिप्शन क्या होता है, गेट रिक्वेस्ट क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जीवन में जाओगे, नेटवर्किंग पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, क्योंकि ये नेटवर्किंग का कोर्स नहीं है, डेवलपमेंट का कोर्स है। तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगाने के लिए मैं चीजें बता रहा हूँ कैसे चीजें काम कर रही है, इससे तुम्हारी कोड पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसके बिना भी तुम्हें समझ में आ सकता है, ठीक है। बढ़िया, वेरी गुड, इसको रिपीट नहीं करूंगा मैं, तीन बार रिपीट कर चुका हूँ ऑलरेडी, टाइम से आया करो बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इतनी कहानी में समझ में आई। अब अगर मैं तुम्हारे सामने एक वर्ड यूज करूँ फ्रंट एंड, तो क्या तुम्हें डर लगेगा? अगर मैं यहाँ तुम्हारे सामने एक वर्ड यूज करूँ बैक एंड, तो क्या तुम्हें डर लगेगा? अगर तुम्हारे सामने मैं वर्ड यूज करूँ क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्या तुम्हें डर लगेगा? अगर मैं तुम्हारे सामने एक वर्ड यूज करूँ एचटीटीपी प्रोटोकॉल, तो क्या तुम्हें डर लगेगा? नहीं, बस यही इंटेंट था मेरा, डर ना लगे, ठीक है। बढ़िया, अब चलते हैं आगे। अब हम करना क्या चाहते हैं, मैंने तुम्हें एक चीज बोली गेट रिक्वेस्ट रेडी हो जाएगी। अगर गेट रिक्वेस्ट क्या होती है भाई, ये गेट रिक्वेस्ट क्या चीज है? वैसे नाम से पता लग रहा है आप कुछ रिट्रीव करना चाहते हो, ठीक है। फोकस, अगर पुराना बात समझ में नहीं आया रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है, और टाइम से आएगा। So, हमने क्या बोला, जब भी मैं एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ, मेरे पास मेजरली चार टाइप की रिक्वेस्ट है, ठीक है। मेरे पास मेजरली चार टाइप की रिक्वेस्ट है, वो क्या होती है, चार टाइप्स बता सकते हो बच्चा मुझे? हमारे पास गेट की रिक्वेस्ट है, हमारे पास पुट की रिक्वेस्ट है, हमारे पास पोस्ट की रिक्वेस्ट है, हमारे पास डिलीट की रिक्वेस्ट है। सो बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम तो क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं ना भाई, कि ये मेरा क्लाइंट है और ये मेरा सर्वर है, इसी मॉडल की बात कर रहे हैं। यहां से तुम्हारी रिक्वेस्ट जाएगी और यहां से तुम्हारा रिस्पॉन्स आएगा, हाँ है ना,
पैच के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा मैं अभी, ठीक है, अभी पैच के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, अभी सिर्फ इन चार के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है, वेरी गुड, अभी पैच के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला, यहां से मेरी रिक्वेस्ट गई और सर्वर ने मेरा रिस्पॉन्स सेंड कर दिया वापस, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्ट का बिहेवियर कैसा होता है, इनका एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस क्या है, क्या काम करती है ये, ध्यान सुनो। गेट रिक्वेस्ट नाम से क्या पता लग रहा है, क्या करता होगा ये कुछ डेटा को रिट्रीव करता होगा, कुछ डेटा को फेच करता होगा, क्या बात समझ में आती है। तो बेसिकली गेट रिक्वेस्ट का क्या काम होता होगा, किसी डेटा को फेच करके लाना, किसी डेटा को फेच करके लाना, ठीक है। पुट का काम क्या होता है, पुट का काम होता है किसी डेटा को अपडेट करना, कोई डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आपने उस डेटा को अपडेट करना है। पोस्ट का काम क्या होता है, कोई नया डेटा सबमिट करना, कोई नया डेटा है उसको सबमिट करना, एक नया डेटा क्रिएट करना है। मेरे पास ये डेटाबेस बना पड़ा है, डेटाबेस को तुम मानोगे कि मान लो एक बाल्टी है, बकेट है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मैं डाल रहा हूं। तो मैंने पोस्ट का मतलब क्या है, कोई नई चीज डाल दी, पुट का मतलब क्या है, कोई पुरानी चीज को अपडेट कर दिया, ठीक है। डिलीट का मतलब क्या है कि मैं कुछ डेटा को रिमूव करना चाहता हूं। एक बच्चा कह रहा है कि फास्ट लग रहा है, मैं बस इंग्लिश का मतलब हिंदी में समझा रहा हूं, इंग्लिश का मतलब हिंदी में समझा रहा हूं, इंग्लिश का मतलब हिंदी में समझा रहा हूं, इंग्लिश का मतलब हिंदी में समझा रहा हूं। ध्यान से देखो, मैं तो कोई टेक्निकल टर्म भी यूज नहीं करी, इंग्लिश को हिंदी में समझा रहा हूं, ठीक है जी। सो हमने क्या बोला कि अगर गेट रिक्वेस्ट है तो इसका मतलब मैं कोई डेटा रिसीव करना चाहता हूं, अगर पुट रिक्वेस्ट है तो इसका मतलब मैं कोई डेटा अपडेट करना चाहता हूं, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है तो इसका मतलब मैं कोई डेटा सबमिट करने वाला हूं, अगर डिलीट रिक्वेस्ट है तो इसका मतलब मैं कोई डेटा रिमूव करने वाला हूं। क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक होमवर्क दे रहा हूं, मैं तुम्हें यहाँ पे दे रहा हूं, तुम्हें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंपोर्टेंट, तुम्हें ये फाइंड आउट करना है कि आइडेंपोर्टेंट का मतलब क्या होता है और इनमें से कौन कौन सी टाइप ऑफ रिक्वेस्ट आइडेंपोर्टेंट है और कौन सी रिक्वेस्ट आइडेंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा पहला होमवर्क है आज का, क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, ठीक है, ये तुम्हारा पहला। सर रिएक्ट नहीं देखी है तब भी डायरेक्ट बैकन कर सकता हूं, देखो तो कर तो लोगे पर मैं फिर भी यही बोलूंगा तुम्हें एक बार फिर भी देखते देखते आओ, इश्यू तो नहीं होगा, फिर भी बीच बीच एक बार देखते देखते आओ, क्या बात समझ में आती है दोस्त, क्या बात समझ में आती है, जल्दी से बताएंगे एक बार, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने समझा कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे एक HTTP रिक्वेस्ट जो है जनरेट होती है, कैसे ट्रैवल करती है, हमने सीखा कि रिक्वेस्ट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, बस इतना ही सीखा। अगर इस पूरे के पूरे के अंदर तुम्हें सिर्फ इतना समझ में आया कि भैया मुझे पूरे लास्ट के 20 मिनट के अंदर इतना समझ में आया कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, इन चार को मतलब समझ में आया, तो भी काम चल जाएगा, वीडियो रिपीट करके देखनी पड़ेगी डेफिनेटली, पर अगर इतना चार समझ में आया तब हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, ठीक है। तो हमारा अगला काम जो है, नेक्स्ट टास्क हमारा आज के सेशन में क्या है, हम अपना खुद का सर्वर क्रिएट करने वाले हैं। हमारा काम क्या है कि चलो अपना खुद का एक सर्वर क्रिएट करेंगे, अभी के अभी अपना खुद का एक सर्वर हम अभी क्रिएट करेंगे, क्या बात समझ में आती है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अभी करेंगे। इसको करने से पहले हम समझने वाले हैं किसके द्वारा क्रिएट करेंगे, हम एक्सप्रेस जेएस के द्वारा अपना खुद का सर्वर क्रिएट करने वाले हैं। अब मैं बोला एक्सप्रेस क्या होता है, एक्सप्रेस तुम्हारा एक फ्रेमवर्क है जो कि तुम कहां यूज करते हो, अपनी सर्वर साइड एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए यूज करते हो। तुम्हें अगर सर्वर साइड एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो वहां पर तुम एक्सप्रेस का यूज करते हो, हेल्प्स इन मेकिंग कनेक्शन विद DB, वो मंगूज होता है। कहां चले गए, रुक जाओ, इंद्रपाल सिंह कोर्स के बारे में बात करेंगे अभी नहीं, जब हमारा कोड में एरर आएगा ना और तब नीड पड़ेगी उसकी, तब बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। कोर्स में जब नीड पड़ेगी, हमारा कोड फट जाएगा, क्रैश कर जाएगा, तब मैं बताऊंगा कि इसकी नीड क्यों पड़ी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो हमने क्या बोला, एक फ्रेमवर्क हम यूज करने वाले बेसिकली, ठीक है, जैसे रिएक्ट में लाइब्रेरी यूज करने वाले थे अपने फ्रंट एंड को क्रिएट करने के लिए, वैसे ही मैं एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क यूज करने वाला अपने बैक एंड को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, अपने सर्वर को इंस्टेंशिएट करने वाला हूं यूजिंग एक्सप्रेस JS, क्या बात समझ में आती है मित्रों, सिंपल सी बात, मैं एक्सप्रेस का यूज करके अपना सर्वर इंस्टेंशिएट करूंगा, बात खत्म, क्या बात समझ में आती है। चलो आओ शुरू करते हैं, चलो वन बाय वन शुरू करते हैं। हम गए यहां पे, इसको बेटा बंद कर दो, इसको बेटा यहां पे ले आओ, हमने क्या किया, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया। इस फोल्डर का नाम क्या रखूं, इसका नाम क्या रखूं मित्र, हमने इसका नाम रख दिया जी,
बैकएंड क्लास वन, ठीक है जी। सो हमने क्या किया, ज्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हुए हम गए हमारे टर्मिनल पे और हमने बोला कि चलो फटाफट, चलो फटाफट डेस्कटॉप बैकएंड क्लास वन में। साथ साथ करते रहोगे तो जीवन में आगे बढ़ जाओगे, अगर पीछे रह गए फिर मत बोलना मुझे। साथ साथ चल रहे हो, साथ साथ चल रहे हो, बढ़िया। एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, उसका नाम अपने हिसाब से दे दो भाई साहब, और उस फोल्डर में चले जाओ टर्मिनल के अंदर। और क्या करना है अब तुम्हें, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें इसको इनिशियलाइज करना है। तुमने क्या कर दिया, npm init minus y, इससे क्या होगा, इससे भैया पैकेज डॉट जेसॉन वाली फाइल आ जाएगी। भैया यहाँ पे रिएक्ट की एप्लीकेशन नहीं बना रहे यहाँ बेटा, फ्रंट एंड खेल रहे हैं यहाँ पे हम, अभी हम तुम्हें सिर्फ सोल बैक एंड सिखा रहे हैं। तो मैं तुम्हें यहाँ पर रिएक्ट की एप्लीकेशन बना के नहीं दिखाऊंगा, राइट। अभी तुम्हारे दिमाग पता क्या चल रहा होगा, अरे भैया वो क्रिएट रिएक्ट ऐप कर लो कमांड, उससे बन जाता था। अरे बेटा बैकएंड में आप चुके हो, तुम भूल गए। तो तुमने क्या कर दिया, तुमने npm init minus y कर दिया, तो इससे तुम्हारी पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल इसके अंदर आ चुकी होगी। मैंने क्या किया, ओपन कर लिया इस फोल्डर को, बैकएंड क्लास वन को। तो देखो पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, बढ़िया। भैया माइनस वाई क्यों लगाया, अगर माइनस वाई वहां पे डैश वाई नहीं लगाते, आईफन वाई नहीं लगाते, तो उनसे बहुत सारे सवाल करता हूँ, मेरा मन नहीं है उन सवालों को आंसर करने का, ठीक है। तो हमने डैश फ्लैग का यूज कर लिया, वाई फ्लैग का, ठीक है। ये बात समझ में आती है हमें, ये बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। स्टेप बाय स्टेप हमने एक फोल्डर क्रिएट किया, लिख लो भाई अगर नहीं समझ में आ रहा। स्टेप वन क्रिएट अ फोल्डर, अपने हिसाब से नाम दो। स्टेप टू टर्मिनल में उस फोल्डर के अंदर जाओ। स्टेप थ्री npm init minus y उस फोल्डर में रन करो। स्टेप फोर विजुअल स्टूडियो में उस फोल्डर को ओपन करो। चार स्टेप बता दिए भाई, चार स्टेप बता दिए, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया और अब हम क्या चाहते हैं, अब हम क्या चाहते हैं कि अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। मैंने क्या बोला कि मैं क्या इंस्टॉल करना चाहता हूं, मैं एक्सप्रेस में काम करना चाहता हूं। तो मैंने बोला कि npm i एक्सप्रेस, तो मैंने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, npm i एक्सप्रेस। तो मेरे नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर भी यहां पर आ गया, तो मेरे नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर भी यहां पर आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, तुम कर लो एक बार फटाफट ये। भैया टीए मेरा डाउट सॉल्व नहीं कर रहा है, मेल कर दो मुझको, मैं देख लेता हूं। ऐसे हमेशा तुम्हारा डाउट क्यों सॉल्व नहीं करता, बाकी सबका क्यों करता है, क्यों तुमने लड़ाई करी थी क्या उससे, हैं दोस्त। चलो कोई बात नहीं, मुझे मेल करो, मैं बात करता हूँ आगे। तो हम गए यहाँ पे, मैंने अपनी एक फाइल क्रिएट कर ली, इसका नाम लिख दिया server.js। तो server.js वाली फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है, इसके अंदर अपना सारा का सारा कोड लिखने वाला हूं, इसके अंदर मैं सारा का सारा कोड लिखने वाला हूँ। ये बच्चा क्या कर रहा है, फालतू क्वेश्चन बोलते हो, क्या मतलब है शशांक पांडे इस बात का, क्या मतलब है दोस्त। नोड जेएस नहीं कराओगे, अरे मैं तुम्हें स्पेशलाइज फ्रेमवर्क करवा रहा हूँ यहाँ पे एक्सप्रेस वाला, तुम नोड जेएस मत करो, सब चिंता मत करो, तुम तुम्हें खुश करके भेजेंगे, जितना तुम्हें कमिट किया गया उतना पढ़ा के भेजेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। तो हमने क्या बोला, एक बच्चा कह रहा है स्टेप रिपीट करता हूँ, तो हम स्टेप रिपीट करते हैं भाई। स्टेप वन क्या था हमारा, स्टेप वन था क्रिएट अ फोल्डर। स्टेप टू क्या था, स्टेप टू हमने बोला था मूव इन टू दैट फोल्डर। स्टेप थ्री क्या था, npm init minus y। स्टेप फोर क्या था, स्टेप फोर क्या था भाई, स्टेप फोर क्या था भाई, स्टेप फोर क्या था, ओपन फोल्डर यूजिंग VS कोड। स्टेप फाइव क्या था, स्टेप फाइव क्या था, npm i express को रन कर दो, ठीक है। और स्टेप सिक्स क्या लिखा है, स्टेप सिक्स लिखा है हमने कि क्रिएट कर दो तुम्हारी server.js वाली फाइल। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्या इतनी बात समझ में आती है। अब कोड लिखना शुरू करते हैं भाई, अब कोड लिखना शुरू करते हैं, ज्यादा कोड नहीं होगा, सिंपल ही कोड होगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला सबसे पहले एक्सप्रेस का इंस्टेंस उठाते हैं, एक्सप्रेस विल बी इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। तो इस प्रकार से तुमने एक्सप्रेस का एक इंस्टेंस बना लिया, ठीक है, और तुमने एक ऐप बना लिया यहाँ पे, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस, बढ़िया। तो यहां पर तुमने एक एक्सप्रेस का सिंगल इंस्टेंस इनिशिएट कर दिया और उसका नाम क्या कर दिया, ऐप रख दिया,
ठीक है जी। तो तुमने यहां पर एक्सप्रेस का सिंगल इंस्टेंस इनिशिएट करके उसका नाम ऐप रख दिया। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या बोला, आपका जो भी सर्वर होगा वो किसी पोर्ट पर लिसन कर रहा होता है, राइट। अभी मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में कि आपको ये पता लग गया सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है और आपको ये पता लग गया सर्वर कौन से पोर्ट पर लिसन कर रहा होगा। कम्युनिकेशन किसी पोर्ट पर होगी ना। तो हमने हमारे इस लोकल पीसी पे चलाने के लिए क्या किया, हमने डिसाइड कर लिया कि मैं 3000 पोर्ट नंबर पे अपने सर्वर को रन करूंगा। मैंने क्या डिसाइड किया कि मेरा जो सर्वर है कहां पर रन करेगा, पोर्ट नंबर 3000। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, आ जाओ ट्राई करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, हमने यहाँ पर क्या बोला दोस्त, हमने बोला कि जो मेरा ऐप है वो कहाँ लिसन करेगा, मेरा ऐप लिसन करेगा पोर्ट नंबर 3000 में, ठीक है। और लिसन करके हम क्या काम करवाना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन दे दिया, मैंने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन दे दिया और मैंने क्या बोला, सिंपल सी चीज प्रिंट कर देना भाई के तुम्हारा सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट नंबर 3000, ठीक है जी। तो तुमने यहां पर इस कोड को लिख दिया। अगर तुम ध्यान से यहां पर देखो, तुमने दो चीजें करी हैं, तुमने बस अपना सर्वर इंस्टेंशिएट किया है और दूसरा काम क्या किया, सर्वर को 3000 पोर्ट नंबर पे लाइव कर दिया है। अब इसको चेक कैसे करें, इसको चेक कैसे करें, हमने क्या किया, सिंपल यहां पे रन कर दिया हमारे सर्वर को। तो मैंने क्या लिखा, नोड सर्वर डॉट जेएस। क्या आंसर आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा दोस्त, सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट नंबर 3000। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो सर्वर क्रिएशन वाला टास्क था वो हो गया? क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने अपना जीवन का पहला सर्वर क्रिएट कर लिया है? हमने अपने जीवन का पहला सर्वर क्रिएट कर लिया है मित्रों। अगेन भैया, आपने ये वाला तरीके से कराया, आपने एक्स तरीके से नहीं कराया, आपने वाई तरीके से नहीं कराया, आपने जेड तरीके से नहीं कराया। मैंने बोला तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है, टाइम के साथ साथ तरीके चेंज भी होते रहेंगे, राइट। एक तरीका हमने आपको कराया, आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं बाकी किस प्रकार से हम सर्वर इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, राइट। अगर जितना मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर, बच्चे और भी चीजें बता रहे हैं, भाई ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे। मैंने कब बोला नहीं कर सकते थे, मैंने जब वेब डेव की स्टार्टिंग की थी मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी कि हो सकता है जो सोल्यूशन मैं तुम्हें बताऊं उसके अलावा 4-5 सोल्यूशन और एग्जिस्ट करते हो। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा गलत है, हर चीज से किया जा सकता है, राइट। तो अगर तुम्हें कोई और तरीका है बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हें दूसरे बच्चों को पढ़ाने का मन है बहुत अच्छी बात है, डिस्कॉर्ड सर्वर पर जाओ, आधे घंटे का सेशन रखो, सबको सिखाओ। नहीं लेना आधे घंटे का सेशन, जो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है सिंगल सा मैसेज लिखो, नहीं लिखना मैसेज चैट जीपीटी से मैसेज बनवा लो पूरा का पूरा, छोटे से पॉइंटर शेयर करके वो मैसेज शेयर कर दो ग्रुप के अंदर, बच्चे उस पर लाइक करके वो उसकी रीच बढ़ा देंगे। क्या बात समझ में आती है इंद्रपाल सिंह और बाकी बच्चों? ठीक है, बढ़िया। इंद्रपाल सिंह मित्र, वेट कर रहा हूं मैं आपके रिप्लाई का। कहां गए यार तुम, कहां गए तुम? अरे बोलो, हमारे बच्चे बड़े वैसे से हैं, कोमल कोमल से जल्दी रूठ जाते हैं बड़ी जल्दी यार। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हमने क्या बोला, तो हमने क्या बोला, यहां पे कोड के अंदर हम गए, हमने क्या बोला कि हमने अपना सर्वर इंस्टेंशिएट कर दिया और हमने इस सर्वर को लिसन पे लगा दिया कि भाई 3000 पोर्ट पर लिसन करते रहो, और प्रिंट कर दिया साथ साथ हमने कि सर्वर स्टार्ट हो चुका है पोर्ट नंबर 3000 पे। तो पहला काम तो हो चुका है, पहला काम तो हो चुका है भैया। जैसे हम कोड करते थे तो हम ब्राउजर में देख पाते थे, यहाँ पे ब्राउजर में देख नहीं पाएंगे क्या? मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, तो लेट से हम ब्राउजर में चलते हैं और हम ब्राउजर में जाके मैंने क्या लिख दिया, लोकल 3000। अरे कुछ आई नहीं रहा यहाँ तो कुछ आई नहीं रहा। हाँ अब क्या करें, अब क्या करें? मैंने कहा बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, अगर तुम लेट से ब्राउजर में कुछ देखना चाहते हो, मैंने क्या कि गेट रिक्वेस्ट बनाते हैं। अभी तुम्हें सिखाया मैंने गेट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, उसे क्रिएट करना सिखाता हूं एक बार। तो हमने क्या बोला, अपना पहला राउट क्रिएट करने चलते हैं। मैंने क्या बोला आपको, अपना खुद का पहला राउट क्रिएट करने चलते हैं। क्या राउट सिखा रखा है मैंने तुम्हें, क्या मैंने तुम्हें राउट सिखा रखा है? होम पेज, पेजिनेशन, नेवबार, स्पिनर, याद आ रहा है? स्पिनर तो नहीं था राउट में, खैर। तो राउट क्रिएट करते हैं, तो हमने सबसे पहले यहां पर एक होम पेज का राउट क्रिएट किया। तो हमने क्या किया, लिखा app डॉट गेट और हमने यहां पर बता दिया पाथ कि भाई ये ऐप के ऊपर तुमने गेट रिक्वेस्ट का राउट डिफाइन कर दिया जो कि इस पाथ पे जाएगी, और तुमने यहां पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डिफाइन कर दिया कि भाई रिक्वेस्ट यहां, रिस्पॉन्स यहां। इस राउट में क्या करना चाहता हूं, इस राउट पर बस मैं एक ही चीज करना चाहता हूं कि रिस्पॉन्स में मैंने सेंड कर दिया, क्या सेंड कर दिया रिस्पॉन्स में, हेलो जी
देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ऐप के ऊपर गेट रिक्वेस्ट अप्लाई कर दी, उसका राउट डिफाइन कर दिया कि जब भी तुम इस राउट पे आओगे तो तुम्हारे रिस्पांस के अंदर क्या सेंड कर देंगे, रिस्पांस के अंदर हेलो जी कैसे हो वाली, कैसे हो सारे वाली स्ट्रिंग सेंड कर देंगे। चेक करते हैं क्या मेरे, अरे एक बार इसको रीरन करके देखें क्या चला क्यों नहीं है। एक बार इसको रीरन करते हैं, हमने इसको कंट्रोल सी करके रोका और फिर से रीरन कर दिया। अब चेक करते हैं एक बार, रीलोड करो तो क्या यहाँ पे हेलो जी कैसे हो सारे लिखा हुआ आ रहा है, यस और नो, यस और नो। हुआ क्या है, हुआ क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या बोला, हमने बेसिकली हमारे ऐप के ऊपर जो कि हमारा सर्वर का इंस्टेंस है उसके ऊपर गेट का राउट डिफाइन कर दिया कि बेटा इसके गेट के राउट पे हमने बोल दिया कि जब भी होम पेज पे जाओगे जो कि तुम्हारा स्लैश वाला पेज होता है उस केस के अंदर तुम क्या करना, क्योंकि तुम लल्लू बच्चे हो, इसको फुल फॉर्म में लिख देता हूं। उस केस के अंदर तुम पता क्या करना, उस केस में तुम रिस्पॉन्स के अंदर हेलो जी कैसे हो सारे वाले स्ट्रिंग सेंड कर देना। उसके अंदर रिस्पॉन्स के अंदर जब भी तुम्हारा बेसिक इस लाइन से क्या करना चाह रहा हूं, इस लाइन का सिंपल मतलब ये है कि जब भी तुम अपने सर्वर में इस वाले राउट पे आओगे, जब भी सर्वर में होम पेज पर आओगे, जब भी सर्वर में होम पेज पर आओगे तो तुम्हें रिस्पॉन्स में ये स्ट्रिंग मिलेगी। इस लाइन नंबर, इन तीन लाइंस का मतलब सिंपल ये है कि जब भी इस वाले राउट पर आओगे तुम्हें रिस्पॉन्स के अंदर ये स्ट्रिंग मिल जाएगी। भैया पर यहाँ पर तो स्लैश नहीं लगा, मैंने कहा ले भाई लगा ले स्लैश, अब अभी भी सेम आ रहा है ना, यस और नो। एक सेकंड को एसी चलाना पड़ेगा, ज्यादा हीट हो गया कैमरा। अरे चल जाना है, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया, तो हमें रन कैसे करते हैं कोई बताओ। रन करना बहुत सिंपल है दोस्त, रन करना बहुत सिंपल है। आपको लिखना है नोड, और नोड के बाद आपने जो फाइल क्रिएट करी, लेट से आपने ऐप डॉट जेएस लिखी तो ऐप डॉट जेएस लिख दो, आपने सर्वर डॉट जेएस लिखे सर्वर डॉट जेएस लिख दो, ठीक है। नोड इस प्रकार आप लिख के रन कर देंगे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो हमने गेट रिक्वेस्ट बना ली, इसके अलावा कुछ और बना सकते हैं भैया, आपने और भी टाइप ऑफ रिक्वेस्ट बताई थी, तो क्या कोई और टाइप ऑफ रिक्वेस्ट मैं क्रिएट कर सकता हूं। मैंने कहा बिल्कुल क्रिएट कर सकते हो। सो लेट से हमने क्या बोला कि पोस्ट रिक्वेस्ट बनाने का ट्राई करते हैं, हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाने का ट्राई करते हैं। तो हमने क्या बोला कि ऐप डॉट पोस्ट, और यहां मुझे राउट डिफाइन करना पड़ेगा, यहां मुझे राउट डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला स्लैश एपीआई स्लैश कार्स, तो ये मैंने अपना खुद का राउट डिफाइन कर दिया कि जब भी इस राउट पे आओगे तो बिहेवियर यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ बिहेवियर डिफाइन कर दिया, मैंने बोला जी यहाँ पर तुम्हारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डाल दो। हमने क्या करना चाहते हैं इसके अंदर, क्या करना चाहते हैं, मैंने बोला पोस्ट का मतलब क्या होता है, कोई डेटा को सबमिट करना, राइट। अभी डेटाबेस तो हमने क्रिएट किया नहीं है, सो लेट से मैंने क्या बोला इस केस के अंदर कि सोचते हैं एक बार, मैं कोई डेटा सबमिट करना चाहता हूँ, दैट्स वाई मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज किया है। तो ध्यान सोचो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने रिक्वेस्ट के अंदर कोई डेटा सेंड किया होगा। समझने की कोशिश करते हैं इसको एक बार, आ जाओ समझने की कोशिश करते हैं, क्लैरिटी मिलेगी थोड़ी सी और, ध्यान समझने की कोशिश करते हैं एक बार। सो हमने क्या बोला, मैं कुछ पोस्ट करना चाहता हूं, मैंने बोला कि ये मेरा क्लाइंट है और ये मेरा सर्वर है। मैंने सिंपल सी एक चीज बोली कि मैं यहाँ पे कुछ पोस्ट करना चाहता हूँ। अरे वो कुछ क्या है जो तुम पोस्ट करना चाहते हो, कोई डेटा पोस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी रिक्वेस्ट के अंदर ही वो डेटा पड़ा हुआ है, यस और नो, वेरी गुड। तो हमने क्या बोला, तो हमने सिंपल सी एक चीज बोली कि मैं इस रिक्वेस्ट को लॉक कर दूंगा, तुम्हें दिखाने के लिए मैं इसको लॉक कर दूंगा, ठीक है। चलो वापस कोड में चलते हैं एक बार, कंसोल डॉट लॉक करवा देंगे इसको समझने के लिए हम, बढ़िया। तो हमने क्या बोला, मैंने एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई जो कि इस वाले राउट से मैप कर दी है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैं डेटा निकाल लूंगा, डेटा कहां पर पड़ा है, जो भी तुम्हारी रिक्वेस्ट की बॉडी है ना, जो भी तुम्हारी रिक्वेस्ट की बॉडी है उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। इसके अंदर लेट से मैंने क्या बोला, दो चीजें पड़ी है तुम्हारे पास, कॉन्स्ट, मैंने क्या बोला, एक तो तुम्हारे पास यहाँ कार का नाम पड़ा हुआ है और एक तुम्हारे पास यहाँ पे कार का ब्रांड पड़ा हुआ है। तो तुमने डीस्ट्रक्चरिंग करके रिक्वेस्ट की बॉडी में से नाम निकाल लिया और ब्रांड निकाल लिया, ठीक है जी। सो हमने नाम निकाल लिया और ब्रांड निकाल लिया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको भाई प्रिंट करना चाहता हूँ, लेट से प्रिंट करना चाहता हूँ। सो लेट से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने बोल दिया जी यहाँ पर नेम को प्रिंट कर दो, और हमने क्या बोल दिया जी यहाँ पर ब्रांड को प्रिंट कर दो, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, जो भी आपका रिस्पॉन्स है उसमें सेंड कर दिया कि
सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है जी। तो हमने बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट मारी थी, तो मैंने रिस्पॉन्स के अंदर एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दी कि आपकी कार सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, आपकी कार सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, ठीक है। बढ़िया, इसे एक बार रन करके देखें। इसे लेट से मैंने एक बार सर्वर को स्टॉप किया और मैंने एक बार सर्वर को रीरन कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊं यूआई पे, अभी अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ, होम पेज के राउट पे तो ये आता है, पर अगर मैं अपने एपीआई कार्स वाले राउट पे जाऊंगा तो क्या कुछ आ रहा है? अरे यहाँ तो आंसर ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पोस्ट रिक्वेस्ट को आप इस प्रकार नहीं देख सकते, इस प्रकार नहीं देख सकते पोस्ट रिक्वेस्ट को, ठीक है। इसे समझेंगे, अभी इसे समझेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं वापस कोड में चलता हूँ, दोबारा समझते हैं हमने क्या किया है, कंफ्यूजन चल रही है कुछ बच्चों को। तो हम दोबारा शुरू से एक बार कोड करेंगे, शुरू समझाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर हमने सर्वर इंस्टेंशिएशन की है, यहाँ पर हमने लिस्टनिंग एक्टिवेट की है, यहाँ पर कुछ राउट क्रिएट कर रहे हैं। चलो वन बाय वन समझते हैं। जी तो हमने यहाँ पर ये सारी चीजें करी हैं, आपको शुरू से मैं समझाता हूँ अभी, ठीक है। चिंता ना करें आप, ठीक है। आप टेंशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत फास्ट कोड कर रहे हो। अरे कितने लाइन लिखो ऑफ कोड लिखा है यार, खुद देखो 20 लाइन ऑफ कोड लिखा है, जिसमें कि 4-5 लाइनें स्पेसिस है। तुम्हें फास्ट लग रहा है ये? तुम्हें फास्ट लग रहा है सही में? 20 मिनट में 20 लाइन ऑफ कोड फास्ट होता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। जहां पर कि ये भी कॉन्सोल डॉट लॉग है, जहां पर ये भी कॉन्सोल डॉट लॉग है, ये भी कॉन्सोल डॉट लॉग है, यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा फास्ट है दोस्त। रीजन तो ढंग का दो, रीजन बोलो। समझ में नहीं आ रहा या तुम्हें समझाना नहीं आ रहा, सीधा बोलो। या तो समझ नहीं आ रहा या तो समझाना नहीं आ रहा, ये मत बोलो फास्ट है, इलॉजिकल रीजन ना तो भाई, ठीक है। चलो वापस चल रहे हैं, क्योंकि जब तुम इलॉजिकल रीजन दोगे तो फिर उसका आंसर ढूंढने जाऊंगा तो कुछ गलती ढूंढ के लाऊंगा आंसर, और जो सोल्यूशन आएगा उससे तुम्हारे कोई फायदा नहीं होगा। सीधा बोलो, या समझ नहीं आ रहा या तुम्हें समझाना नहीं आ रहा, ठीक है। चलो भैया आते हैं शुरू से, शुरू से आगे, शुरू से आगे एक बार, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हम खुद का सर्वर क्रिएट करने चले हैं, हम अपने खुद के एक सर्वर को लाइव करना चाहते हैं। यही टारगेट है भाई, यही टारगेट है, यस और नो? यस और नो? बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे अपने खुद के सर्वर को लाइव करना है, क्या सबसे पहली चीज मैं ये कह सकता हूँ कि स्टेप नंबर ए मैं कह सकता हूँ क्रिएट योर ऑन सर्वर, क्रिएट योर ऑन सर्वर। आपको अपना खुद का सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, यस और नो? क्या ये बात समझ में आती है? बढ़िया। तो अगर मुझे अपना खुद का सर्वर क्रिएट करना है तो मुझे दो चीजें लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने एक्सप्रेस को निकाल लिया, तो मैंने क्या बोला, कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। एक्सप्रेस के द्वारा ही सर्वर क्रिएट करने वाला हूं ना मैं, तो एक्सप्रेस का यूज करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे क्या बोला, कॉन्स्ट एप, और यहाँ पर तुम्हारा ये सर्वर तुमने इंस्टेंशिएट कर दिया। देखो सिंटेक्स जो है वो कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि पहली बार काम करने निकले हो, राइट, पहली बार समझने निकले हो सिंटेक्स को, तो उसमें यूज होने में टाइम लगेगा। बट ये दो लाइंस क्या करती है, ये दो लाइंस आपके सर्वर को क्रिएट करने के काम में आती है। यहाँ पर आपने एक्सप्रेस का इंस्टेंस निकाल लिया और यहाँ पर आपने सर्वर को इनिशिएट कर दिया। अभी तक सर्वर लाइव नहीं हुआ है, क्योंकि आपने पोर्ट डिफाइन नहीं किया, तो सर्वर लाइव नहीं हुआ है अभी, पर आपने सर्वर क्रिएट कर दिया, आपने सर्वर क्रिएट कर दिया है। क्या स्टेप नंबर ए सबको समझ में आता है? सर्वर क्रिएट करने का काम हो गया यहाँ पे, ठीक है। आज लो एनर्जी लग रही है, गला खराब है भाई, इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, थ्रोट इन्फेक्शन, सेंसिटिव लोग, भाव क्या बोलते हैं उसको, कोमल बच्चे, ठीक है। सो इस प्रकार, तो इस प्रकार तुमने एक सर्वर को इंस्टेंशिएट कर दिया, ठीक है। ऐप की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ कुछ भी लिख सकते हो। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, हमने बोल दिया कि ऐप जो है आपका, जो आपका सर्वर है वो लिसन कर रहा है कहां पर, कौन से पोर्ट पे लिसन कर रहा है। आपने दो आर्गुमेंट पास करी, पहला 3000 पोर्ट नंबर पे लिसन कर रहा है, और सेकंड आपने बिहेवियर बता दिया कि भाई इस पे लिसन करके बिहेवियर क्या होगा। तो आपने बिहेवियर में ये डिफाइन कर दिया कि भाई यहां पर मैं प्रिंट करूंगा, यहां पर प्रिंट कर दूंगा मैं सर्वर स्टार्टेड। क्या मजाक नहीं है ये? आपने सिंपल डिफाइन कर दिया कि सर्वर को लाइव तो कर रहे हो, कौन से पोर्ट पर लाइव कर रहे हो, कौन से पोर्ट पर लाइव कर रहे हो, क्या बिहेवियर चाहते हो, कौन से पोर्ट पर लाइव कर रहे हो, क्या बिहेवियर चाहते हो। क्या बात समझ में आती है? मैं दो जगह कोर्स कर चुका हूं, बट आपकी तरह कोई नहीं समझाता। धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद, धन्यवाद, ठीक है। ये बात समझ में आती है, ठीक है।
थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में हमने राउट्स क्रिएट करने शुरू किए, राउट्स क्रिएट करने शुरू किए। ठीक है, हमने राउट्स के अंदर एक गेट रिक्वेस्ट बना के आपको दिखा दी जहां पे हमने राउट बनाया स्लैश, और हमने यहां पर आपको एक पोस्ट रिक्वेस्ट बना के दिखा दी जहां पे राउट हमने बनाया स्लैश API स्लैश कार्स। ठीक है, तो ऐसे हमने राउट्स क्रिएट कर दिए। राउट्स क्रिएट करने का मतलब क्या है कि जब भी इस राउट पर जाओगे तो ये गेट रिक्वेस्ट काम करेगी, जब भी इस राउट पर जाओगे तो पोस्ट रिक्वेस्ट काम करेगी, या मैं कह सकता हूँ कि इस राउट पे पोस्ट कर सकते हो, इस राउट पे गेट कर सकते हो। समझेंगे इसको भी। ठीक है, तो हमने इसको क्या बोला, गेट रिक्वेस्ट के द्वारा आप डेटा फेच करते हो। तो तुम अगर गेट रिक्वेस्ट का कोड देखोगे तो तुमने वहां पे क्या किया है, रिस्पॉन्स में सेंड कर दिया एक स्ट्रिंग जहां पर लिखा है हेलो जी कैसे हो सारे। पोस्ट में तुम डेटा ऐड करके भेजोगे बॉडी के अंदर रिक्वेस्ट की, और वो उसका कुछ प्रोसेसिंग आप कर रहे होगे। ठीक है, वापस चलते हैं। ये 3000 क्या है, ये पोर्ट नंबर है। ऊपर अगर ध्यान से देखोगे तो लोकल होस्ट 3000 लिखा होता है ना, लोकल होस्ट 3000, वो पोर्ट डिफाइन कर रहे हो कि आपका सर्वर कौन से पोर्ट पे चल रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चेंज 3000 टू 5000, चलो भाई 5000 चेंज कर लेते हैं इसको, आ जाओ। एक बच्चे ने बोला कि 3000 की जगह 5000 पे चलाओ इसको, तो इसको 5000 पे चला लेते हैं। तो हम गए यहाँ पे, हमने इसको कर दिया 5000, और मैंने यहाँ पे इसको रीरन कर दिया सर्वर को, तो मैंने इसको कर दिया क्लोज और मैंने इसको कर दिया रीरन। क्या इशू है, एड्रेस ऑलरेडी इन यूज, ये ऑलरेडी यूज में है दोस्त। सर्वर दिस सेटअप लिसन 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 एरर इवेंट सर्वर इंस्टेंस एट दिस पोर्ट दिस, इस पे नहीं चलेगा दोस्तों, और किसी पोर्ट नंबर पे चला लेते हैं, ये ऑलरेडी इन यूज आ रहा है। चलो कुछ और ट्राई करते हैं एक बार। लेट्स से हमने इसको कर दिया, हमने इसको कर दिया, क्या करूं इसको मैं, 8000 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये 3000 पर ही चल रहा है, अच्छा यहाँ 3 लिखा ना, दैट्स व्हाई। चेक करते हैं 8000 पे चला के नहीं चला, लिखा लोकल होस्ट और 3 की जगह लिख दिया मैंने 8000, तो क्या रन कर रहा है, यस और नो, क्या हमारा कोड सही चल रहा है, यस और नो। हमने 8000 पोर्ट पे इसको चला दिया, 5000 किसी और यूज में था, दैट्स व्हाई नहीं चल पा रहा था। वापस चलते हैं कोड में। हमने यहाँ पर इस लाइन ऑफ कोड से सर्वर को इंस्टेंशिएट कर दिया, हमने यहाँ पर सर्वर को एक्टिवेट कर दिया ऑन पोर्ट नंबर 8000। ठीक है, मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ फटाफट, और मैंने यहाँ पर राउट क्रिएट कर दी, ये गेट रिक्वेस्ट का, ये पोस्ट रिक्वेस्ट का। देखो गेट रिक्वेस्ट तुमने वेरीफाई कर ली सही चल रही है, ठीक है, तुमने गेट रिक्वेस्ट वेरीफाई कर दी कि सही चल रही है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ आ गया हेलो जी कैसे हो सारे। पर ये पोस्ट रिक्वेस्ट जो है ये वेरीफाई कैसे करूं, ये वेरीफाई कैसे करूं, इसको वेरीफाई करने का भी कोई तरीका तो होना चाहिए ना भाई, इसको वेरीफाई करने का भी तो कोई तरीका मेरे पास होना चाहिए, बताओ भाई कैसे कैसे वेरीफाई करेंगे इसको। अगर मैं यहाँ पे सिंपल जाके ऐसा लिख दूं बेवकूफों की तरह के API कार्स, तो इससे तो कुछ आ ही नहीं रहा, बेवकूफी कर रहा हूँ ना, दैट्स व्हाई नहीं आ रहा। इसको तरीका क्या होगा वेरीफाई करने का, अब मैं यूज करूंगा पोस्टमैन। अब पोस्टमैन क्या होता है, जो भी आपकी APIs हैं, ठीक है, जो भी आपकी APIs हैं, जो कि एक कम्युनिकेशन का तरीका है आपका सर्वर का और क्लाइंट का, ठीक है, आपने API को बोला ये डेटा ला के दो, तो उसने सर्वर से वो डेटा ला के आपको दे दिया। तो APIs जो भी आपकी हैं उनकी डिजाइनिंग करनी हो, APIs की टेस्टिंग करनी हो, APIs की डॉक्यूमेंटेशन करनी हो, तो एक कोलैबोरेशन टूल होता है आपका पोस्टमैन। ठीक है, ये डेफिनेशन अंग्रेजी वाली कुछ नहीं होता, रट्टा होता, ये समझ में तब आएगा जब इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे, समझ में सिर्फ तभी आएगा जब यूज करना शुरू करेंगे, राइट। ये तो बकवास बातें हैं थ्योरी वाली, जब तक खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक समझ में अच्छे से आएगा नहीं। तो हमने क्या किया, हमने जाना है, हमने बोला डाउनलोड पोस्टमैन, तुम यहां से पोस्टमैन को डाउनलोड कर सकते हो। तुम्हारा मेरा मैक है तो मेरे को मैक का दिखा रहा है, तुम्हारा विंडोज PC होगा तो विंडोज का दिखा देगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, तो हमने क्या बोला कि हम यहां से पोस्टमैन को डाउनलोड कर सकते हैं। दिखने में कैसा होता है पोस्टमैन, दिखने में तुम्हारा पोस्टमैन का टूल इस प्रकार का होगा, ऐसा कुछ होगा दोस्त, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखते चलना दोस्त, ठीक है। थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन दोस्त, आपके कंपनी लेवल पोस्टमैन बहुत ज्यादा यूज होता है, जहां तक मुझे याद है इनके फाउंडर हमारे NSIT के ही हैं, हमारे कॉलेज के ही हैं, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। इससे मेरे को 1 रुपए का फायदा नहीं हो रहा, पर ठीक है, मैं खुश हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो हमने क्या बोला इसको, अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हो तो किस प्रकार टेस्टिंग करोगे, इसमें अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हो तो आप किस प्रकार टेस्टिंग करोगे। हम गए यहाँ पे, हमने क्या बोला, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा,
हमने इसको न्यू पे क्लिक किया, हमने HTTP रिक्वेस्ट पे क्लिक किया। इतनी बात समझ में आई सबको, इतना हमने कर लिया। इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, इसके बाद हम गए, हमने यहां पर पोस्ट रिक्वेस्ट सिलेक्ट कर ली, हमने यहां पर पोस्ट रिक्वेस्ट सिलेक्ट कर ली। ठीक है, ये जूम हो सकता है क्या भाई? अरे हो सकता है, बढ़िया। सो हमने यहां पर पोस्ट रिक्वेस्ट सिलेक्ट कर ली। इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, इसके बाद मैं फटाफट अपना URL लेकर आता हूँ भाई। जो URL है यहाँ पे, तो मैंने URL लिख लिया, 8000 पोर्ट पर रन हो रहा है हमारा अभी। तो हमने यहाँ पे API बता दी कि भाई ये रहा मेरा API का URL। ठीक है, ये रहा URL, ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो मुझे यहाँ पर डेटा भी साथ में सेंड करना पड़ेगा। ये पोस्ट रिक्वेस्ट है तो मुझे यहाँ पर डेटा भी साथ में सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बॉडी पे क्लिक किया, मैंने रॉ पे क्लिक किया, और मैंने इसको जेसॉन फॉर्मेट का डेटा कर लिया कि मैं जेसॉन फॉर्मेट में अपना डेटा डालूंगा। बॉडी, रॉ, जेसॉन, मैंने यहाँ पर अपना डेटा डालना शुरू किया। मैंने बोला कि नेम, और नेम क्या है गाड़ी का, हमने बोला गाड़ी का नेम है बब्बर भैया की गाड़ी, या फिर इसको और अच्छा कर लेते हैं, नाम रख दिया DL1CR। ठीक है, इतना काफी है। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, ब्रांड क्या है गाड़ी का, ब्रांड है जी स्कॉर्पियो, वैसे महिंद्रा होना चाहिए पर चलो ठीक है। तो हमने सिंपल सी ये चीज बोली कि भाई इस वाली API पर, इस वाले URL पर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस रिक्वेस्ट के अंदर मेरे पास ये वाला जेसॉन ऑब्जेक्ट होगा। इसको मैंने कर दिया सेंड, इसको मैंने कर दिया सेंड, और एरर आ गया। अब बताओ कहां पर गलती है, कहां पर गलती है? ये बोल रहा है कैन नॉट डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, कहीं पर गड़बड़ है, कहीं पर गड़बड़ है। वो गड़बड़ तो हम ठीक कर लेंगे, वो इश्यू नहीं है दोस्त, गड़बड़ हमें ठीक करने आते, वो तो हम कर लेंगे। पर क्या हमें पोस्टमैन चलाने का तरीका आया? अगर नहीं आया दोबारा समझते हैं। मैं गया मेरे वर्क स्पेस में न्यू के ऊपर, ठीक है, मैंने एक नई HTTP रिक्वेस्ट मारनी है, तो मैंने HTTP रिक्वेस्ट सिलेक्ट कर ली। मैंने बोला मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, तो मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट सिलेक्ट कर ली। मैंने अपना URL यहाँ पर डाल दिया कि भाई मैं इस URL के ऊपर टेस्टिंग करना चाहता हूँ, और मैंने बोला कि मुझे इसमें डेटा सेंड करना पड़ेगा साथ में। तो मैंने क्या बोला, बॉडी में जाओ, रॉ में जाओ, और जेसॉन फॉर्मेट सिलेक्ट कर लो, और इसमें अपना डेटा सेंड कर दो। क्या आपने बोला कि नेम जो है मेरी गाड़ी का वो है जी DL1CR, और मैंने क्या बोला कि ब्रांड जो है मेरी गाड़ी का वो हो गया जी स्कॉर्पियो। तो इस प्रकार आपने डेटा लिख लिया यहाँ पे, आप इसको सेंड करना चाहते हैं, वो बात अलग है, सेंड में एरर आ रहा है, इस एरर को मुझे ठीक करना पड़ेगा। ये एरर क्यों आ रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि पार्सिंग में इश्यू है, क्योंकि पार्सिंग में इश्यू है, मैं पार्स नहीं कर पा रहा हूं डेटा को, मैं डेटा को पार्स नहीं कर पा रहा हूं जो कि आप सेंड कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पे पार्सिंग में इश्यू आ रहा है। क्यों आ रहा है दोस्त? क्योंकि मैंने पार्सिंग का लॉजिक डिफाइन नहीं करा अपने कोड के अंदर। तो यहां पर तुम्हारे पास एक मिडलवेयर नाम की चीज होती है, एक मिडलवेयर नाम की चीज होती है, इसको हम बोलेंगे बॉडी पार्सर। नाम से क्या पता लग रहा है इसका, कि रिक्वेस्ट की बॉडी में से कुछ पार्सिंग करता होगा। क्या पता लग रहा है, रिक्वेस्ट जो आप भेज रहे हो उसकी बॉडी के अंदर डेटा है ना, तो रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर डेटा उसको पार्स कर रहा होता है। तो रिक्वेस्ट, अरे यार ये तो देखो नहीं, तुम क्या भेज रहे हो पहले बताओ, ये क्या भेज रहे हो, ये पूरा काम क्या कर रहे हैं हम, रिक्वेस्ट तो सेंड कर रहे हैं, क्लाइंट सर्वर को रिस्पॉन्स भेजता होगा, रिक्वेस्ट भेजता होगा, बेवकूफ, क्लाइंट सर्वर को रिस्पॉन्स भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, अरे कुछ रिक्वेस्ट ही तो भेजेगा। तो जो कहानी पूरी मैं कर रहा हूँ, ये URL ले लिया, ये डेटा भेज दिया, ये ऑब्जेक्ट भेज दिया, रिक्वेस्ट ही तो है ये। जब मैं कहता हूँ रिक्वेस्ट की बॉडी में डेटा पड़ा, तो कॉमन सेंस, यहाँ बॉडी सिलेक्ट नहीं किया था हमने, ये बॉडी सिलेक्ट नहीं किया था, बॉडी में डेटा नहीं पास किया, यही तो कह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ। सो हमने सिंपल यहाँ पर बॉडी पार्सर का यूज करना, और उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे, हमें बॉडी पार्सर का यूज करना पड़ेगा। तो मैं गया यहाँ पे, मैंने बोला बॉडी पार्सर निकाल के लाओ भाई पहले। तो हमने बोला बॉडी पार्सर विल बी इक्वल टू रिक्वायर, और हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, बॉडी पार्सर। तो लो जी बॉडी पार्सर का ऑब्जेक्ट आ गया, बॉडी पार्सर का ऑब्जेक्ट आ गया। मैं क्या चाहता हूँ, अपने सर्वर को पावर अप करना चाहता हूँ इससे, इस बॉडी पार्सर के ऑब्जेक्ट से सर्वर को पावर अप करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या बोला, ऐप डॉट यूज, बेटा बॉडी पार्सर का यूज कर लेना, ऐप को बोल दिया। तो ऐप डॉट बॉडी पार्सर डॉट जेसॉन। अब जब मैंने यहाँ बॉडी पार्सर डॉट जेसॉन लिखा, इसका मतलब क्या है, यहां पर आप स्पेसिफिकली बोल रहे हो कि भाई जेसॉन डेटा को पार्स करना है, यहां पर आप स्पेसिफिकली बोल रहे हो कि जेसॉन डेटा को पार्स करना है,
और उसको रिक्वेस्ट की बॉडी में डालना है। सो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मैं लिख देता हूँ, स्पेसिफिकली पार्स जेसॉन डेटा एंड एड इट टू दी रिक्वेस्ट की बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली आप यहां पर जेसॉन को पार्स करने की कोशिश कर रहे हो और स्पेसिफिकली उसको रिक्वेस्ट की बॉडी में एड कर रहे हो। और ये बॉडी पार्सर का क्या काम है, ये बॉडी पार्सर का क्या काम है, इसका काम है यूज टू पार्स जो भी आपकी रिक्वेस्ट की बॉडी होगी उसको एक्सप्रेस में। अगर आपको पास करना है तो आपको बॉडी पार्सर का यूज करना ही पड़ेगा। स्पेसिफिकली आप यूज करते हो पोस्ट के केस में या फिर पुट के केस के अंदर। क्या बात समझ में आती है? तो इतना मुझे समझ में है कि अगर मुझे पार्सिंग संभालनी है, अगर मुझे पार्सिंग संभालनी है तो मुझे बॉडी पार्सर का यूज करना पड़ेगा। अगेन आपको लेक्चर फिर से देखना तो पड़ेगा ही दोस्त, ठीक है, उसमें आपके पास कोई और रहा चाह नहीं है, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा दोबारा से अपनी चीजों को और क्लियर करने के लिए। ठीक है जी, बढ़िया। नेम ब्रांड कहाँ पे इशू है इसमें, कहाँ पे इशू है इसमें, कहाँ पे इशू है देखते हैं। आ जाओ, तो हमने इसको कंट्रोल से किया, हमने बोला नोड सर्वर डॉट js, सर्वर स्टार्ट हो गया है, हम गए हमारे पोस्टमैन पर, हमने मार दिया यहाँ पर कॉल कार सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये तो हम चाहते ही थे, एक बार कंसोल में चेक कर लेते हैं क्या कुछ आया क्या। सॉरी वो तो यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे डीएल वन सी आर स्कॉर्पियो आया कि नहीं आया। तो क्या हमने सही से सबमिट कर दिया सब कुछ, यस और नो, यस और नो। हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई थी एपीआई कार्स वाले राउट पे, हमने क्या बोला था कि यहाँ से नेम निकाल लेना, ब्रांड निकाल लेना और ये कार सबमिटेड सक्सेसफुली प्रिंट कर देना। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई, ये रहा एपीआई यूआरएल, हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सेंड कर दिया। तीन चीजें करनी है, नेम निकालो, ब्रांड निकालो, कार सबमिटेड सक्सेसफुली प्रिंट करो। तो क्या रिस्पॉन्स में कार सबमिटेड सक्सेसफुली आया, हाँ बिल्कुल आ गया। क्या हमने नेम निकाल लिया, बिल्कुल निकाल लिया। क्या ब्रांड निकाल लिया, जी हाँ बिल्कुल निकाल लिया। तो ये तरीका था आपके पास पोस्ट रिक्वेस्ट को टेस्ट करने का। तो अगर आपके पास ये डाउट था मन में कि कैसे मैं इस पोस्ट रिक्वेस्ट को टेस्ट करूंगा, तो मैंने पोस्टमैन के द्वारा इस एपीआई की टेस्टिंग कर ली, क्या ये एपीआई सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है। दोबारा देखते हैं, हमने बेसिकली यहाँ पे क्या बोला, वैसे बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, पर चलो पहली क्लास है, बैकएंड नहीं पता उतना ज्यादा अच्छे से, समय लगेगा समझने में, नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हमने क्या बोला कि हमने इस सर्वर के ऊपर एक पोस्ट का राउट डिफाइन कर दिया, हमने इस सर्वर पे एक पोस्ट का राउट डिफाइन कर दिया, ये वाला। हमने क्या बोला, इस राउट पे जब तुम जाओगे तो क्या बिहेवियर होगा, तुम्हारी रिक्वेस्ट बॉडी में से नेम निकाल लिया जाएगा और ब्रांड निकाल लिया जाएगा, नेम को प्रिंट कर दिया जाएगा, ब्रांड को प्रिंट कर दिया जाएगा और तुम्हारे रिस्पॉन्स के अंदर ये वाली स्ट्रिंग को सेंड कर दिया जाएगा। क्या ये समझ में आती है, क्या ये समझ में आती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके बाद हम गए पोस्टमैन के अंदर, पोस्टमैन ने, मैंने बोला कि मैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट मारूंगा, ये एपीआई यूआरएल मैंने सेंड कर दिया और रिक्वेस्ट की बॉडी के साथ मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट सेंड कर दिया। तो जब मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूं तो रिस्पॉन्स से मुझे क्या मिला, रिस्पॉन्स में मिला भाई कार सबमिटेड सक्सेसफुली। और यहां पर अगर कॉन्सोल में देखूंगा तो कॉन्सोल में मुझे लिखा हुआ मिलेगा कि भाई साहब ये रहा आपकी गाड़ी का नाम DL1CR और ये रहा ब्रांड स्कॉर्पियो। तो इस प्रकार से आप हैंडल कर पा रहे हैं, इस प्रकार से आप टेस्टिंग कर पा रहे हैं आपके पोस्ट वाले मेथड की, पोस्ट वाले रिक्वेस्ट की। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, जल्दी से बताएंगे, ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो हमें इन शॉर्ट एक चीज समझ में आई अभी कि विदाउट बॉडी पार्सर मैं पास नहीं कर पाऊंगा रिक्वेस्ट की बॉडी। क्या हमें ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, हमें एक चीज ये समझ में आई अभी कि अगर मुझे रिक्वेस्ट की बॉडी में से कोई डेटा पार्स करना है, कोई डेटा फेच करना है, अगर तुम्हें पार्सिंग का मतलब नहीं पता गुरसिमरन सिंह, वैसे अगर तुम पुराने बच्चे हो तो तुम पक्का कभी सो रहे थे क्योंकि पार्सिंग भी पहली बार वर्ड यूज नहीं कर रहा मैं, पार्सिंग बहुत बार यूज कर चुका, अगर तुम नए बच्चे हो तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, भूल गया मैं क्या बोला था, भूल गया मैं क्या कह रहा था यार, पार्सिंग बताता हूं मैं बेसिकली, पार्सिंग का मतलब तुम फेच समझ सकते हो, रिट्रीव समझ सकते हो, गेट समझ सकते हो, पास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, ठीक है जी। लेट्स से तुम्हारे पास सामने एक पेड़ है, उसमें अंगूर लगे हुए हैं, तो तुम अंगूरों को पार्स करने निकले हो कि अंगूर तो यहीं पे है पर उसको लेना पड़ेगा, जाके लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। क्या बात समझ में आती है, अंगूर खट्टे हैं, ठीक है जी।
पोस्टमैन से ऑटोमेटिक लिंक कैसे हो रहा है? पोस्टमैन से ऑटोमेटिक लिंक कहाँ हुआ? आपने एक पब्लिक एपीआई को कॉल कर दिया ना भाई, आपकी जो एपीआई है उसको कॉल कर दिया आपने, खत्म। आपने खुद ही डिफाइन करें ना, अब यहाँ पे लोकल होस्टिंग 8000 वाले पोर्ट पे वो लिंक जो है, जो हमने यूआरएल ऐड किया है, उस यूआरएल की वजह से आप एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है जी? ठीक है, बढ़िया। तो तुमने अभी देखो, अभी तुम्हें पता है क्या है, आज तुम्हें क्या क्या इश्यूज फेस होंगे, मैं तुम्हें बताया तुम पहले से, तो और तुम्हें फिर टेंशन लेने की नीड नहीं है। वो इश्यूज ये होंगे कि भाई पहली चीज, तुम्हारा सेटअप सही से काम नहीं कर रहा, तुम्हारा एक्सप्रेस इंस्टॉल नहीं हो रहा, तुम्हारा कोड रन नहीं हो रहा, तुम्हें बहुत सारे एरर फेस करने पड़ रहे हैं, तुम्हारा पोस्टमैन इंस्टॉल नहीं हो रहा, तुम्हारे पोस्टमैन ढंग से रन नहीं कर रहा, तुम्हारे पोस्टमैन में साइन अप नहीं कर पा रहे हो। ये छोटी मोटी चीजें जो है, ये टाइम लेगी तुम्हारा, अभी आराम से 5-10 मिनट लगाओ, 1 घंटा लगाओ, उनको ठीक करो, ठीक है? सेकेंड चीज, सिंटेक्स बैकएंड का पहली बार देख रहे हो, एक्सप्रेस का सिंटेक्स कैसा होता है, राइट? अगर सिंटेक्स पहली बार देख रहे हो तो क्या तुम्हें पहली बार में क्लैरिटी मिल जाएगी? जब पहली बार सी प्लस प्लस जावा HTML CSS पढ़ने बैठे थे, पहले दिन समझ में आ गया सब कुछ, नहीं आया था ना? तो सिंटैक्स से बंदा कंफर्टेबल होता है टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ इतना जितना ज्यादा कोड करते जाएंगे तो उतनी क्लैरिटी मिलती जाएगी, राइट? अभी तुम्हें बता दिया मैंने ऊपर ऊपर से कि ऐसे तुम सर्वर इंस्टेंशिएट करते हो, तो ये वाला कोड जेनरिक हो गया, अब हर बार यही कोड लगेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। मैंने तो बता दिया हर बार इस पोर्ट पर लिसन करोगे, ये कोड भी जेनरिक हो गया, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर मैंने बोला ऐसे राउट क्रिएट करते हैं, तो राउट करने का सिंटैक्स तुम्हें पता लग गया, तुम्हें कल को खुद का राउट क्रिएट करना हो, तुम खुद का राउट भी क्रिएट कर सकते हो, राइट? लेट्स से तुम कहीं फंस गए, तुम्हें कौन काम आने वाला है, या तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर के टीएस, या तो तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन, राइट? डॉक्यूमेंटेशन में जाकर तुम पढ़ोगे चीजें कैसे काम करती है। सिंटैक्स से कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है, ऑन द स्पॉट तुम्हें चीजें समझ में नहीं आएंगी, टाइम लगेगा। अगर अभी टेंशन हो रही है तो मन में एक चीज डालो कि पहली क्लास है, बैकएंड की पहली क्लास है। अगर तुम्हारे मान लो ये 5 महीने का कोर्स होता और तुम्हारी तुम पहली क्लास में होते, अगर समझ में नहीं आ रहा होता अच्छे से, 50% आ रहा होता, डर जाते? कॉमन सेंस है ना भाई, पहली क्लास है, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है? बढ़िया, चलो ये बात समझ में आई। अब हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक? हमने अपना खुद का सर्वर बनाना सीख लिया है, अपने खुद के सर्वर पे गेट रिक्वेस्ट बनानी सीख ली है, पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी सीख लिया है, पोस्ट रिक्वेस्ट को कैसे पोस्टमैन से आप सेंड टेस्ट कर सकते हो वो हमने सीख लिया है। अब आगे कहानी सीखनी है, अब आगे कहानी सीखनी है, आगे कहानी क्या वो समझते हैं। सेटअप सेटअप वाली गेम है, ज्यादा कोडिंग वाला पार्ट है कहां, छोटा मोटा कोडिंग कर रहे हैं आज, उसमें तो सिंटैक्स डर रहे हो तो कैसे बनेगी बात। अब हम बात करने वाले एक डीबी की, एक डेटाबेस की, जिसका नाम है MongoDB, MongoDB, इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है जी? हमने क्या बोला, क्या है MongoDB? अरे नाम से पता है डीबी का मतलब डेटाबेस, तो ये तुम्हारा एक NoSQL डेटाबेस है, ये तुम्हारा NoSQL डेटाबेस है। अगेन हम यहां पर DBMS सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं उस डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि ये डेटाबेसेस क्या होते हैं, ये NoSQL क्या होता है, ये SQL क्या होता है, रिलेशन डेटाबेस क्या होता है, कौन से टाइप ऑफ डेटाबेस एग्जिस्ट करते हैं, राइट? उसके लिए हम क्या करेंगे, लक्ष्य ने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट कर रखी है, यूट्यूब पर भी है, तुम कहोगे तो मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगा, जहां पर उसने कवर किया पूरा का पूरा कि NoSQL डेटाबेसेस एग्जैक्टली होते क्या है, और वो SQL डेटाबेस से कैसे डिफरेंट होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस से कैसे एग्जिस्ट डिफरेंट होते हैं, राइट? तो वहां तुम देख सकते हो। अभी तुम्हें क्या समझना है कि MongoDB क्या होता है, एक प्रकार का स्टोरेज तुम्हारे पास अवेलेबल है जहां पर तुम अपने डेटा को स्टोर करने वाले हो, क्या बात समझ में आती है? एक ओपन सोर्स NoSQL डेटाबेस है जहां पर तुम डेटा को स्टोर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। तो हमें क्या समझ में आया कि बेटा यहां पर मैं डेटा को स्टोर कर सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, और भी कुछ तरीके होते हैं जाते, अगर मैं कुछ भूल रहा हूं तो शायद और भी कुछ तरीके होते हैं, देख सकते हो तुम एक बार पढ़ लेना, राइट? ये तुम्हारा रिलेशनल डेटाबेस की तरह नहीं होता। अब रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, राइट? तो मैं उस डेप्थ में नहीं जाऊंगा रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं, क्या होता है, तुम्हें खुद पढ़ना है, मैं वीडियो अटैच कर दूंगा, उसको तुम देख लेना, समझ में तुम्हें अच्छे से आ जाएगा SQL में और NoSQL में डिफरेंस क्या होता है। पर जनरली तुम्हारे जो NoSQL डेटाबेसेस होते हैं ना, वो जाने जाते हैं उनकी स्केलेबिलिटी के लिए और उनकी परफॉर्मेंस के लिए, वो जनरली जाने जाते हैं तुम्हारी स्केलेबिलिटी के लिए और तुम्हारी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, राइट? जैसे SQL डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है, वहां पर तुम्हारा डेटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, रिलेशनल टेबल्स होते हैं, टेबल्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटररिलेटेड होते हैं किसी प्रकार से। NoSQL में टेबल्स होते हैं नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है टेबल्स का, तो टेबल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, ठीक है? तो थोड़ा समझ में आया भैया, पूरा समझ में तो नहीं आया पर इतना समझ में आया कि MongoDB एक प्रकार का स्टोरेज हमारे पास अवेलेबल है जिसके अंदर मैं डेटा स्टोर करता हूं इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, की वैल्यू पेयर, ग्राफ्स, एक्सेट्रा,
जनरली इनको हम यूज करते हैं हायर स्केलेबिलिटी के लिए, और इससे अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखी, इसके अंदर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखी जाती है, ये बात समझ में आई राइट। ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है राइट, इससे मजा नहीं आएगा हमें राइट। अगर हमें डेफिनेशन पढ़नी होती तो हम गूगल पर जाकर पढ़ लेते, हम इस कोर्स में नहीं बैठे होते, पैसे खराब नहीं कर रहे होते राइट। अगर डेफिनेशन ही पढ़नी होती, इंग्लिश ही पढ़नी हो रही होती तो हम नहीं पढ़ रहे होते, यहाँ पे नहीं बैठे होते, पैसा नहीं फूकते अपने राइट। हमें इंप्लीमेंटेशन करनी है, हम सीखने आए हैं भाई यहाँ पे, कोड वाइज समझाओ कैसे चीजें काम करेगी। मैंने कहा ठीक है, अगेन अगर हम मोंगो डीबी सीखना चाहते हैं या मोंगो डीबी के ऊपर काम करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज क्या होगी भाई कि मुझे सेटअप करना पड़ेगा, तो सेटअप करते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं, तुमने बोला कि तुम्हें मोंगो डीबी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तुम्हें एक शेल होगा, ठीक है, मोंगो शेल होगा, उस मोंगो शेल पे तुम क्या कर सकते हो, मोंगो शेल पे तुम अपने खुद की कमांड्स का यूज कर सकते हो, अपने खुद की तो नहीं, खैर मोंगो शेल पे तुम कमांड्स का यूज कर सकते हो और उन कमांड से तुम इंटरैक्ट कर सकते हो तुम्हारे डेटाबेस के साथ। अब डेटाबेस से इंटरेक्शन किस प्रकार की होती है, तुम्हारे पास क्रड ऑपरेशंस होते हैं जिसके द्वारा तुम इंटरैक्ट कर सकते हो तुम्हारे डेटाबेस के साथ। क्रड मतलब सी का मतलब क्या है, क्रिएट यानी इंसर्ट करना, आर का मतलब रीड यानी फेच करना, यू का मतलब अपडेट मैनिपुलेट करना, डी का मतलब डिलीट यानी रिमूव करना। तो ये चारों प्रकार के ऑपरेशन आप कर सकते हो यूजिंग मोंगो शेल, जहां पे आपको क्या ही करना पड़ेगा, जहां पे आपको कमांड्स का यूज करना पड़ेगा। पर तुम बच्चे जो हो वो क्या हो, तुम क्या हो, लल्लू। तो हम आसान चीज के ऊपर जाएंगे ना भाई, हम तो आसान चीज के ऊपर जाएंगे, तो आज के टाइम पे हम कमांड क्यों चलाएं। हमारे पास एक और चीज अवेलेबल है, इसका नाम क्या है, मोंगो डीबी कंपस, मोंगो डीबी कंपस। अब मोंगो डीबी कंपस क्या होता है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जैसे अभी तुमने देखा ना पोस्टमैन को, एक GUI था, उसके ऊपर तुम ऐसे ड्रैग ड्रॉप टच वच टाइप करके बढ़िया से आराम से कर पा रहे हो राइट। तो तुम यहां पर भी आराम से बटन्स का यूज करके, यूजर एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करके अपने सारे के सारे क्रड ऑपरेशन कर सकते हो। सवाल आएगा कैसे, करके दिखाऊंगा, चिंता नहीं करनी, अभी बस थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कमांड्स में जाके कंफ्यूज होने से अच्छा हम यहाँ पर इसको कंपस को चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आता तुम्हारा दूसरा होमवर्क, यहाँ पे आता दूसरा होमवर्क क्या, जब इस वीक के अंदर आए बैकएंड के अंदर जो दो चीट शीट दिखी थी, दो चीट शीट दिखी थी, एक एक्सप्रेस की और एक मोंगो की, उन दोनों को पढ़ना बेटा एक बार, उन दोनों को पढ़ना। मोंगो डीबी वाली में तुम्हें कमांड दिख जाएगी बहुत सारी, अगर तुम्हें कमांड्स का आइडिया लेना है तो तुम पढ़ सकते हो कि वो कमांड्स कैसे होने वाली राइट। अब सेटअप की तरफ चलें, अब सेटअप की तरफ चलें भाई, चले चलो बढ़िया आ जाओ। सो शुरू करते हैं, आ जाओ भाई शुरू करते हैं, हम सेटअप की तरफ जाएंगे। हमने क्या बोला, हम कहाँ जाएंगे, हमने बोला जी सेटअप, सेटअप क्यों बोल रहा हूँ मैं, डाउनलोड मोंगो डीबी, हम डाउनलोड मोंगो डीबी लिखा, हमने यहाँ पे आ गए, ये हम आ गई कम्युनिटी डाउनलोड्स, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे, फटाफट देखते हैं। हम गए यहाँ पे डेटाबेस के अंदर, कम्युनिटी सर्वर के अंदर जाना चाहिए था आई थिंक अपने को, हम गए यहाँ पे, अरे आजा, अरे आजा, नेट बहुत तेज चल रहा दोस्तों मेरा, आजा तो यहाँ पे तुम्हारा एक कम्युनिटी सर्वर है दोस्त, ठीक है। अगर तुम एक विंडोज वाले बच्चे हो तो तुम यहाँ पे जाके अपना विंडोज के द्वारा इंस्टॉल कर लेना भाई, तुम्हारी विंडोज यहाँ पर लिखी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है, तुम्हारे लिए आसान है। जो विंडोज वाले बच्चे हैं उनके लिए आसान है बहुत ज्यादा, ठीक है, हम अपना डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉलर आएगा, बढ़िया आसानी से हो जाएगा इंस्टॉल, ठीक है। जो हमारे दूसरे वाले बच्चे हैं जो कि मैक वाले बच्चे हैं, जो कि बहुत कम बच्चे हैं, वो बेटा तुम इससे जाओगे ना अगर मैक से, तो तुम्हारा बहुत ज्यादा जीवन खराब हो जाएगा। अगर तुम मैक से यहाँ पे गए और तुम्हें TGC फाइल से इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा जीवन खराब कर देगा, मैं अपने एक घंटा खराब करके बैठा हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो हम मैक वाले बच्चे इससे इंस्टॉल नहीं करेंगे राइट। तो मैक वाले बच्चे हम क्या करेंगे, हम सभी ब्रू के द्वारा, होम ब्रू के द्वारा इसको इंस्टॉल करेंगे। होम ब्रू के द्वारा पूरा का पूरा क्या क्या कमांड्स रहने वाली है वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा। आई थिंक मैक वाले बच्चे बहुत कम, कोई है मैक वाला बच्चा यहाँ पे भी बताना है, तो मैं शेयर कर दूंगा तुम्हारे कमांड्स, ठीक है। तो विंडोज वाले तो मजाक है, अपना यहाँ से इंस्टॉल कर लो, तुम्हारा मोंगो डीबी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, मोंगो डीबी इंस्टॉल कर लो।
पहला काम डन, यहाँ से MongoDB इंस्टॉल हो गया। सेकंड काम जो हमें करना है वो सेकंड काम क्या है, तुमने बोला डाउनलोड करना चाहता हूँ MongoDB कंपस, तो तुमने MongoDB कंपस यहाँ से डाउनलोड कर लिया और ये तुम्हारे पास फाइल आ गई। ये मैक वाले भी आसानी से कर सकते हैं, आराम से चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है, और तुम्हारे विंडोज वाले भी कर सकते हैं, आसानी से चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा इशू आएंगे नहीं, फेस नहीं करोगे तुम, ठीक है। ये शेल आ गया क्या, मैंने तुम्हें कंपस बोला था, हाँ ये रहा कंपस, ये कंपस है, ठीक है, यहाँ से कंपस को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, बढ़िया। तो डाउनलोड या डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा नहीं, एग्री 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 पे क्लिक करना होगा, ओके ओके नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, तो उसमें जाऊंगा नहीं, राइट। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ अभी तुम्हारे टर्मिनल में जाके क्या होगा। मैंने तुम्हारी जो फाइल है ये डाउनलोड्स के अंदर जो है पूरी की पूरी फाइल जो है पता नहीं कहाँ गई, छोड़ो। तो हमने क्या बोला, CD डाउनलोड्स यहाँ पे, अरे आ जा, ने बोला CD डाउनलोड्स, हमने यहाँ पे MongoDB की फाइल पड़ी है, MongoDB की फाइल है क्या कोई, MongoDB macOS, इसके अंदर हम गए हमारे बिन फोल्डर के अंदर, बिन के अंदर मेरे पास ये तीनों फाइल्स पड़ी है, मोंगो वाली भी और MongoDB वाली, MongoDB वाली भी, मोंगो शेल वाली भी और इंस्टॉल कंपस वाली भी, राइट। तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ मैंने रन कर दिया अपने मोंगो डी को, नहीं चला, हमने कर दिया मोंगो SH को, तो मोंगो SH से मेरा ये मोंगो शेल चालू हो गया। जो मोंगो शेल की बात मैं कर रहा था, तुमने मोंगो SH से अपने मोंगो शेल को एक्टिवेट कर लिया, इसको रन कर दिया, राइट, ठीक है। तो तुमने यहाँ पर मोंगो शेल को चालू कर लिया, यहाँ पर एक कमांड रन करके देख लेते हैं बस, शो DBs, तो जितने बाय डिफॉल्ट DBs तुम्हारे पास प्रेजेंट होंगे वो यहाँ पर दिख जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ, एडमिन का, कॉन्फिग का, टेस्ट का और लोकल का, 4 DBs मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है जी। सेम तुम्हें भी करने हैं, चला करेगा शेल तुम्हारा इस प्रकार चलता है। अभी हम शेल के ऊपर कमांड्स रन नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसमें दिखाना चाह रहा था कैसे रन करेगा, तो मैंने रन करके तुम्हें दिखा दिया, राइट। विंडोज वालों को इतने एफर्ट नहीं मारने पड़ेंगे, उनके लिए चीजें आसानी से चल जाएंगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, सही है। इसका सेटअप मैंने कैसे किया था, एक हमारे क्रिएटर हैं हितेश चौधरी, उनकी वीडियो देख के सेटअप किया था, ठीक है। मैं बड़ा परेशान था सेटअप में, इसमें सही बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा परेशान था मैं, ठीक है। तो वहां पे हमने देखा कि यार इन्होंने सेटअप अच्छा कर रखा है, बाकी बेवकूफों ने 4-5 और क्रिएटर देखे मैंने, किसी से सेटअप ही नहीं हुआ ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वापस आते हैं, वापस आते हैं, फोकस फोकस गाइस फोकस। तो हमने यहाँ पर मोंगो शेल को देख लिया कैसे काम कर रहा है, एक बार तो मोंगो कंपस को दिखाते हैं कैसा होता है मोंगो कंपस। चलो मोंगो डीबी कंपस पे तुमने क्लिक कर दिया और मोंगो डीबी कंपस देखते हैं फटाफट, ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ दिखेगा तुम्हें, ऐसा कुछ यूआई दिखेगा मोंगो कंपस का, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या करना है, मैंने बोला बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आ गया, उसने बोला कि इस URI पे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ MongoDB:localhost:27017, ये डिफॉल्ट पोर्ट है आपके MongoDB के रन होने का, 27017 ये डिफॉल्ट पोर्ट है आपके MongoDB के रन करने का, राइट। मैंने इससे कनेक्ट करने को बोल दिया, जैसे ही मैंने इसे कनेक्ट करने को बोल दिया ये कनेक्ट कर गया, ये कनेक्ट कर गया। अब मैं यहाँ पर अपना खुद का डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, प्लस डेटाबेस का नाम बताओ तुम, इतना जल्दी से बताओ क्या नाम रखूं, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, बब्बर कार्स, कार्स रख देते हैं कार्स। उस डेटाबेस के अंदर कलेक्शन का नाम क्या रखें, कलेक्शन, हमने बोला महिंद्रा, महिंद्रा रख दिया कलेक्शन का नाम और हमने क्रिएट डेटाबेस कर दिया, बहुत बढ़िया। सो इस कार्स नाम के डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन हमने बना दिया, यानी एक फोल्डर हमने क्रिएट कर दिया महिंद्रा नाम का। अब इस फोल्डर के अंदर क्या क्या डेटा मैं रखना चाहता हूँ, क्या क्या डेटा मैं रखना चाहता हूँ, मैंने कहा शुरू करते हैं। पहला ऑपरेशन क्या था करंट में, सी, सी मतलब क्रिएट, क्रिएट मतलब इंसर्ट डॉक्यूमेंट में, और तुमने क्या बोला, तुमने बोला एड डेटा, नहीं ये तो नहीं बोला, हम यहां से देखते हैं एड कैसे करें इसको, एड कैसे करें, एड कैसे करें, एड कैसे करें, एड कैसे करें, इंपोर्ट जेसोन, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, अच्छा और इंपोर्ट जेसोन से क्या होता है भाई, ठीक है ये नहीं है। तो हम यहाँ पे आए एड डेटा में, इंसर्ट डॉक्यूमेंट में गए और हमने यहाँ पे अपना डेटा डालना शुरू किया, हमने क्या बोला, इंसर्ट नॉट परमिटेड, फाइल डॉक्यूमेंट कंटेन एरर, ओके जी सॉरी। तो हमने यहाँ पे दो चीजें डालनी थी, वो दो चीजें क्या थी भाई, दो चीजें क्या थी भैया, नेम था, नेम में क्या रखें, DL1CR, ओके, और हमने क्या बोला,
दूसरा क्या था? ब्रांड था। हमने क्या बोल दिया? ब्रांड में महिंद्रा। ठीक है, ऐसी रैंडमली वस्तु में सिखा रहा हूँ किस प्रकार काम चलती है, किस प्रकार अपन क्रिएट करेंगे इसको। तो इस प्रकार हमने एक नया डेटा बना लिया, एक नया जेसॉन डेटा बना लिया और मैंने उसको इंसर्ट कर दिया। तो क्या मैं देख पा रहा हूं कि मैंने एक डेटा जो है वो इंसर्ट कर दिया है? क्या मैंने क्रिएट ऑपरेशन कर दिया है? क्या मैंने क्रिएट ऑपरेशन कर दिया है दोस्त? यस और नो? बिल्कुल सही, हमने क्रिएट ऑपरेशन कर दिया है। सेकेंड ऑपरेशन क्या था? सेकेंड ऑपरेशन क्या था? सेकेंड ऑपरेशन था आर, यानी कि रीड। अब मैं रीड कैसे करूं यहां पे? मैंने कहा बहुत सिंपल है, मैं सिंपल सा यहां पे गया, मैंने बोला यहां पे क्वेरी के अंदर कि भाई नेम इज इक्वल्स टू, नेम इज इक्वल्स टू बी एल 1 CR। इससे देखते कुछ होता है क्या? हमने गलत लिख दिया कुछ, हमने इस प्रकार से पहले डाल दी नेम 1 CR, फाइंड किया आंसर नहीं आया, हमने इसको नेम को इस प्रकार रख लिया, हमने फाइंड किया अभी भी आंसर नहीं आया, कहाँ पे गलती कर दी हमने? कहाँ पे गलती कर दी? सिंटेक्स में गड़बड़ है क्या कुछ? सिंटेक्स में गड़बड़ है क्या? फाइंड नहीं आ रहा टाइप पे करी दिस, से मैंने सिर्फ स्कॉर्पियो लिख दिया यहाँ पे, स्कॉर्पियो कुछ आएगा नहीं। DL1CR 1 CR। इसमें सर्च किस प्रकार करते हैं दोस्त? मुझे पता की वैल्यू पेयर ही देते थे जहां तक मुझे याद है यार। सेट क्वेरी फिल्टर इस प्रकार ही तो लिखा है हमने भी यार, हमने भी तो इसी प्रकार लिखा है, हमने भी तो इसी प्रकार लिखा। और क्या लिखा हमने? आओ देखें एक बार फटाफट, नेम DL1CR ये लिखा है ना दोस्त हमने भी। इससे डेटा तो नहीं आ रहा, इससे डेटा तो नहीं आ रहा, कहां पर गलती कर दी? कहां पर गलती कर दी? हम आए महिंद्रा में, यहाँ पे हमने क्या बोला? ये डेटा हमने रखा हुआ है, चलो एक बार और इंसर्ट करते हैं भाई, एक बार और इंसर्ट करते हैं, आ जाओ फटाफट। तो हमने बोला ऐड डेटा और हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया एक प्रकार का डॉक्यूमेंट, और हमने इंसर्ट कर दिया इसके अंदर, इस पूरे के पूरे को हटाओ बेटा एक बार, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया नेम DL1CR। अब हमने बोल दिया ब्रांड स्कॉर्पियो, ठीक है जी, इसको हमने एक बार इंसर्ट कर दिया, तो मेरे पास ये डेटा इंसर्टेड है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर इसको क्वेरी करने की कोशिश करी, हमने क्या बोला यहाँ पे भाई साहब, नेम वुड बी इक्वल टू DL1CR, फाइंड करो बेटा। फाइंड किया, फाइंड किया, ऐसे करते हैं दो तीन टाइप का डेटा डालते हैं उसके बाद अच्छे समझ में आएगा, दो तीन टाइप का डालते हैं। हमने इसे कर लिया जी, हमने इसे कर लिया जी कॉपी, ठीक है, हमने यहाँ पे नया डेटा डाला, हमने यहाँ पे नया डेटा डाला, हटा दिया, इसका नाम कर दिया मैंने 2 CR स्कॉर्पियो 2, और इसमें तुमने ब्रैकेट हटा दिया है, इसे कर लो कॉपी, कि तुमने सेकंड डेटा डाल दिया, ओके okay, अब हमने थर्ड डेटा डालना है DL3CR, इसका नाम रख दिया स्कॉर्पियो 3, इसको हमने कर दिया इंसर्ट, ठीक है जी। कार्स के अंदर गए, इसके अंदर चार डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, और हमने यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करी, हमने यहाँ पे बोला जी नेम, और हमने यहाँ बोला DL2CR, हमने किया फाइंड। क्या हम 2 CR को फाइंड कर पाए? यस और नो? क्या हम 2 CR को फाइंड कर पाए? यस और नो? हमने मल्टीपल डेटा डाले DL1CR DL2CR DL3CR, और हमने इस प्रकार से डेटा को फाइंड कर लिया।
भैया लास्ट टाइम क्या गलती हो रही थी, आई थिंक स्ट्रक्चर में कुछ कुछ इश्यूज थे, दैट्स व्हाई गलती हो रही थी, हमने स्ट्रक्चर खुद से पूरा पूरा डिफाइन कर दिया, उसका सही निकल के आ रहा है, बढ़िया। तो हमने इस प्रकार फाइंड करना सीख लिया, रीड करना सीख लिया, ठीक है, हमने लास्ट टाइम स्ट्रक्चर नहीं देखा, स्ट्रक्चर की वजह से गलती कर रहे थे, राइट, रीसेट कर लिया। अगेन क्रिएट करना आ चुका है, रीड करना आ चुका है, अपडेट करना चाहता हूं, तो मैंने कहा सिंपल है, ये 2CR वाला पड़ा है, इस 2CR को मैंने अपडेट कर दिया, यहाँ पे 20 लिख दिया, 20 लिख के मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। क्या मैंने अपडेट करना सीख लिया? क्या मैंने अपडेट करना सीख लिया? जी हाँ बिल्कुल सीख लिया। मैंने बोला ये पूरा को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं डिलीट किया, डिलीट कर दिया। क्या मैं डिलीट करना सीख लिया? यस और नो? तो क्या मुझे कंपस के द्वारा क्रड ऑपरेशन करने आ गए? तो ये तो हम खुद भी कर सकते थे, मैंने कहा मुझे पता है तुम कर सकते थे, पर क्या हमें कंपस के द्वारा ये चार ऑपरेशंस करने आ गए? हाँ बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल अभी तो नहीं है, कोड के द्वारा कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, अभी हमें कंपस के द्वारा करने आ गए। अगर डेटाबेस बड़ा है, मैं यहां से कुछ एक्सेस करना चाहता हूँ, कुछ चीज देखना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ, राइट। कंपस चलाना मुझे आ गया, कौन से पोर्ट पर चलता है कंपस? बाय डिफॉल्ट 27017 पे, ठीक है, इस पोर्ट पे तुम्हारा कंपस चल रहा होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। मोंगो शेल रन करना सीख लिया, कंपस चलाना सीख लिया, कंपस के ऊपर कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने सीख लिए। अब बात करते हैं कि हमने दो चीज सीख ली भैया, एक तो हमारा एक्सप्रेस का सर्वर और एक हमारा मोंगो डीबी, इसको कैसे कनेक्ट करते हैं? मैंने कहा मेरे पास दो चीजें हैं दोस्त, मेरे पास ये एक्सप्रेस का सर्वर है, ठीक है, और मेरे पास ये मोंगो डीबी है। अगर मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है तो इन दोनों को कनेक्ट किस प्रकार किया जाता है? कंफ्यूज्ड व्हाट आर वी स्टडिंग? बेटा हम बैकएंड समझ रहे हैं, बैकएंड के अंदर हम सीख रहे हैं कि एपीआईज कैसे काम करती हैं, डेटाबेसिस कैसे काम करते हैं, कैसे एपीआईज, कैसे सर्वर को तुम लिंक कर सकते हो डेटाबेसिस के साथ, कैसे सर्वर क्रिएट कर सकते हो, कैसे सर्वर में क्रड ऑपरेशंस कर सकते हो, ये सब सीख रहे हैं, और ये तुम्हें 1.25 घंटे बाद पता लगा है। वेरी गुड, वेरी गुड, चलेगा, चलो। अगर मुझे इनको आपस में लिंक करना है, यानी कि मेरे सर्वर को और मेरे डीबी को, अगर मुझे अपने सर्वर को और मुझे अपने डीबी को लिंक करना आपस में, तो मेरे पास ऑप्टिमाइज्ड वे क्या है? क्या ऑप्टिमाइज्ड वे है? मैं मोंगूज का यूज करूंगा, मैं मोंगूज का यूज करूंगा। अब मोंगूज क्या होता है भाई? अब मोंगूज क्या होता है? अभी तो बताया भाई आपने, अभी तो बताया आपने कि जब मुझे कनेक्ट करना हो मेरे ये सर्वर को मेरे डीबी के साथ, मेरी एक्सप्रेस को, मेरी नोड जेएस को मेरी मोंगो डीबी के साथ, सो मैं बीच में एक लेयर का यूज करता हूँ जिसका नाम क्या होता है? मोंगूज होता है। इसका काम क्या है? लिंक करना आपके नोड जेएस को आपके मोंगो डीबी को, यस और नो? इन दोनों को लिंक करना, ठीक है, लिंक करने का काम है, एक मिडल लेयर है ये, ठीक है। इसको हम ODM लाइब्रेरी भी कहते हैं, ODM लाइब्रेरी भी कहते हैं। अब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? मैंने बोला जो आपका नोड जेएस है उस नोड जेएस में डेटा को कैसे ट्रीट कर रहे हो, जो नोड जेएस है उसमें डेटा को कैसे ट्रीट कर रहे हो? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, और आपकी MongoDB में डेटा को कैसे ट्रीट कर रहे हो? डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। तो क्या फर्क नहीं डेटा के ऊपर? क्या फर्क नहीं है? एक तरफ वो डेटा ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, एक तरफ वो डेटा डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो इनके बीच की मैपिंग को संभालना, इनके बीच की मैपिंग को संभालना कि दोनों आपस में आसानी से काम कर सके, उस चीज को फैसिलिटेट करना, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे कि भाई ये एक ODM लाइब्रेरी है, ठीक है। ODM की फुल फॉर्म तो मुझे भी याद नहीं है, आई थिंक जहां तक मुझे याद है ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपिंग होती होगी, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपिंग ये होता था मेरे हिसाब से, चेक कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपिंग ही होता है क्या? ODM लाइब्रेरी क्या होता है? ODM ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग, गलत, बिल्कुल एकदम ऊपर से बाउंसर चला गया, गलत एकदम। तो ODM का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग, ठीक है। तो मैं बेसिकली ऑब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट के बीच में कंफ्यूज हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे पता है डेटा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में चलेगा, यहाँ मुझे पता है मेरा डेटा और डॉक्यूमेंट की फॉर्म में चलेगा, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये बीच की फैसिलिटेशन करना, वो मेरा मोंगूज का काम है, ठीक है जी। और बहुत सारे काम है, आप यहाँ पे चाहें तो स्कीमा क्रिएशन कर सकते हैं, आप यहाँ पे चाहें तो वैलिडेशन कर सकते हैं, पर अगेन अभी ये सारी की सारी चीजें हमें सिर्फ छोरी लगेगी, ठीक है। अभी हमें ये सारी की सारी चीजें छोरी लगेगी कि ये क्या है, ये इंग्लिश में वर्ड्स बोले जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, राइट। अभी ये छोरी लगेंगी जब तक इनको हम
अप्लाई नहीं करेंगे कोड का ना, तब तक समझ में अच्छे से नहीं आएगा, राइट। अगर और चीज मैं आप रिपीट करता हूँ, कोई भी बच्चा अगर अपनी नई क्लासेस कर रहा है, कोई नया नया बच्चा है, एक दिन दो दिन चार दिन पांच दिन एक हफ्ता दो हफ्ता हुआ है, तो उसको समझ में नहीं आएगी आज की क्लास बिल्कुल भी, ठीक है। तो कृपा करके पहले पुराना कोड कवर कर, पुराना कोर्स पूरा कवर कर, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आनी शुरू होगी। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे लग रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम 60% बच्चों को आज समझ में डिफिकल्टी हो रही होगी, सो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि सबके साथ ये है, ये पहली क्लास है आपके बैकएंड की, दोबारा से रिपीट करके देखनी पड़ेगी, खुद से और गूगल सर्चेज करनी पड़ेगी, उसके बाद समझ में आएगा। क्या बात समझ में आएगी, क्या बात समझ में आई, यस सुनो, ठीक है। बैकएंड सीम्स टू बी डिफिकल्ट देन फ्रंट एंड। अरे फ्रंट एंड 3 महीने करके बैठे हो भाई, फ्रंट एंड तो आसान ही लगेगा ना, बैकएंड का तो पहला दिन है ना, कैसे कैसे कर लोगे, कंपैरिजन ही नहीं कर सकता मैं तो आज के दिन बैठ के, कंपैरिजन ही पॉसिबल नहीं है। अरे सब करवाऊंगा भाई, सब करवाऊंगा, जो कर रहा हूँ पहले वो तो देख लो, आगे का देखना है तुम्हें, पहले जो भी आज पढ़ रहे हैं वो देख ही नहीं रहा कोई यहाँ पे, पढ़े लिखे लोग ज्यादा आ जाते हैं कभी कभी क्लासेस के अंदर, मैं क्या करूँ तुम्हारा, चलो कोई नहीं। सो हमने क्या बोला, अभी हमने क्या क्या सीखा आज की क्लास के अंदर, हमने एक्सप्रेस के बारे में सीखा जहां से हम सर्वर क्रिएशन कर रहे हैं, हमने मोंगो डीबी के बारे में सीखा जहां पे हम डेटाबेस क्रिएशन कर रहे हैं, क्रड ऑपरेशन कर रहे हैं, अब हम मोंगूज के बारे में सीखेंगे, अब हम मोंगूज के बारे में सीखेंगे जो कि क्या करेगा, जो कि आपके इस सर्वर को इस डेटाबेस से लिंक करने का काम करेगा, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट का आज का, ठीक है। इसके बाद आपको टाटा बाय बाय कर देंगे, इससे पहले मैं आपको टाटा बाय बाय करूं, आपको दिया जाता है 2 मिनट का गर्मा गर्म ब्रेक, और उसके बाद हम मिलेंगे आपसे, ठीक है। ठीक है जी, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। तो हम क्या, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम मोंगूज के बारे में थोड़ा सा समझना चाहते हैं। अभी इतना समझ में आया कि एक प्रकार की ODM लाइब्रेरी है, ठीक है भैया, ODM ढंग समझ में नहीं आया तो ODM के बारे में, ORM के बारे में, और हम डेप्थ में आगे वाली क्लासेस में सीखेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से सीखेंगे। अभी समझ में इतना देख लो कि मोंगूज तुम्हारा लिंक कर रहा है तुम्हारी नोड जेएस को और तुम्हारे MongoDB को, क्या बात समझ में आ रही है, तुम्हारे नोड जेएस को तुम्हारी मोंगो डीबी को लिंक करने का काम कौन कर रहा है, तुम्हारा मोंगूज कर रहा है, क्या बात समझ में आती है, ठीक है। बिना मोंगो डीबी सेटअप के मजा नहीं आएगा, अरे सेटअप में तुम्हें टाइम लगेगा यार, तुम क्या सोच रहे हो आसानी से हो जाएगा क्या, अभी सेटअप में कम से कम 1.5 घंटे लगेंगे अभी, राइट, तो वो तो करना पड़ेगा। नोड या एक्सप्रेस, अरे यार अलग है क्या, नोड और एक्सप्रेस अलग है क्या, तुम पहले ही बताओ मुझे क्या है नोड और, नोड और एक्सप्रेस में क्या फर्क है, एक्सप्रेस का काम क्या है, एक्सप्रेस एक छोटा सा फ्रेम,
ऐसी, ये तो बहुत बेसिक चीजें थी जो मैंने जब कोर्स पढ़ाना शुरू किया तभी तुम्हें सिखा दी थी सारी की सारी चीजें। एक बार तुम बेटा पुराना देख के नहीं आए हो और तुम मजे ले रहे हो मुझसे, या तुम पुराना देख के आए हो तुम कह रहे हो बंदा गुस्से में, थोड़ा सा और मजाक कर लेते हैं इससे। बड़े चालाक बच्चे हो यार। तो मंगूस की बात कर रहे थे, बताओ इसको पहले सेटअप करना पड़ेगा मुझे, ठीक है? तो इसके सेटअप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इसके सेटअप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा इसे, और क्या करना पड़ेगा, राइट? तो मैं गया वापस, मैंने बोला जी मेरे पास कोड तो रेडी है, उसी के अंदर थोड़े से चेंजेस कर लेता हूँ, फटाफट सारे बच्चे तैयार हो जाओ भाई, सबको साथ करना है। तो मैं गया अपने कोड पे, ये रहा मेरा कोड, मैं गया टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे जाके मैंने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा टर्मिनल पे बताओ मित्रों, क्या लिखा हो गया जी इंस्टॉल, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे वो लिंकिंग वाला काम करना है जहां से मैं डीबी को लिंक कर पाऊं और नोड जेएस को या एक्सप्रेस जेएस को लिंक कर पाऊं। क्या बात समझ में आती है? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपल सी चीज बोली, कॉन्स्ट मंगूज, मंगूज विल बी इक्वल टू रिक्वायर, हमने क्या बोल दिया, क्या चाहिए अपने को, अपने को मंगूज चाहिए भाई, अपने को मंगूज चाहिए, मंगूज मिल गई। अब मैंने क्या बोला भाई, कनेक्ट कर दो मंगूज डॉट कनेक्ट, इसको कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अपने डीबी का यूआरएल लिखूंगा, यहाँ पे डीबी का यूआरएल हम ऐड करेंगे। मैंने बोला मोंगो डीबी कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट, कौन से पोर्ट पे काम कर रहे होते हो दोस्त, कौन से पोर्ट पे काम कर रहे हो, तो 27017 इस पोर्ट पे, और स्लैश यहाँ पे तुम्हें अपने डीबी का, यहाँ पे तुम्हें अपने डीबी का नाम देना है, यहाँ पे तुम्हें अपने डीबी का नाम देना है। तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, माई डेटाबेस, पर भैया आपने तो ऐसा कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं किया, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा नाम देता हूं जो इसका डेटाबेस क्रिएटेड नहीं है तो क्या होगा, तो क्या होगा, एक नया डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा डेटाबेस का नाम देता हूं जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है तो क्या होगा, तो मैं उस डेटाबेस से लिंक कर दूंगा मेरी नोड जेएस को, ठीक है? दोनों केस में चीजें चल जाएंगी। इसके बाद क्या करना है, इस कनेक्ट के अंदर तुम्हारे पास बेसिकली दो चीजें जाती हैं, एक तुम्हें कॉन्फिगरेशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा, राइट? अब इसके ऊपर तुम मुझसे एक क्वेश्चन नहीं पूछोगे वाई, अब तुम मुझसे वाई वाला क्वेश्चन नहीं पूछोगे जो मैं लिखने वाला हूँ, राइट? एक बार देखते हैं, समझेंगे इसके ऊपर, क्यों भी समझेंगे वाई वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा उसके ऊपर वाई समझेंगे अभी। यूज न्यू यूआरएल पार्सर, हमने ट्रू मार्क कर दिया और हमने बोल दिया यूज यूनिफाइड टॉपोलॉजी, इसको हमने ट्रू मार्क कर दिया, ठीक है जी? सो अभी इससे क्या हुआ, तुमने बेसिकली एक ऐसा सिंटेक्स यूज किया है जिसके द्वारा तुम मंगूज को यूज करके कनेक्ट कर रहे हो डीबी को किसके साथ, किसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, किसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, तुम्हारी नोड जेएस का, तुम्हारी एक्सप्रेस के साथ, ठीक है? अब यहां पे ये क्या लिख दिया भैया, ये क्या लिख दिया, मैंने बोला ये कुछ कॉन्फिगरेशंस हैं जो कि तुम्हें लिखनी ही पड़ेंगी, इसके बिना नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा, नहीं यकीन तो इसके बिना चला के देख लेना, तुम्हें साफ साफ बोलेगा कि भाई साहब ये लिखो, तो उसका बोलेगा भाई साहब ये भी लिखो, ये दोनों लिखवाएगा तुमसे। वैसे यहाँ पे चार कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, पर अगर तुम अपने लोकल डेस्कटॉप पे रन करने की कोशिश कर रहे हो तो चारों की जगह ये दो से काम बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई एक नया यूआरएल पार्सल होगा कोई, और तुमने सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन कर दिया कि नए वाले यूआरएल पार्सल को यूज करना है, और कोई टॉपोलॉजी होगी उसको यूज करना है। क्या मुझे उसकी इनडेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि क्या कौन सा यूआरएल पार्सल, कौन सी टॉपोलॉजी, क्या होता है टॉपोलॉजी, कोई नीड नहीं, कॉन्फ़िगरेशन है इसके द्वारा चलता है, चिपका दिया, बात खत्म। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। जहां जिसकी नीड होगी वहां वो बताया जाएगा, जहां पे फालतू की बातें हैं वो नहीं बता रहे, सिंपल समझ में आता है, बढ़िया। तो हमने इस प्रकार से बोला। अब ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, एक प्रॉमिस है, प्रॉमिस याद है किसी को, प्रॉमिस पढ़ाया था मैं तुम्हें जेएस के अंदर, याद है किसी को, प्रॉमिस, फेच एपीआईज बिल्ट ओवर प्रॉमिसेस, प्रॉमिस जिसके ऊपर देन वाला फंक्शन लगा सकते थे, जिसके ऊपर कैच वाला फंक्शन लगा सकते थे, राइट? तो हमने क्या बोला कि इसके ऊपर हम कुछ फंक्शन लगाते हैं कि भाई जब, अच्छा प्रॉमिस में वो याद है कि तुम्हारी दो स्टेट होती थी प्रॉमिस की, या तो वो रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा, वेरी गुड, अच्छा लगा दोस्त, याद है तुम्हें, बढ़िया। तो हमने क्या बोला, हमने क्या बोला कि इसके ऊपर हमने डॉट देन वाला मेथड लगा दिया, और हमने इसके ऊपर क्या बोला कि डॉट देन में हम क्या करना चाहते हैं बताओ भाई, अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ये कर क्या रहा है बेसिकली, कनेक्शन बना रहा है ना। तो मैंने क्या बोला, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मैं सिंपल सी एक चीज लिख रहा हूं, मैंने दिया जी कनेक्शन सक्सेसफुल,
लो जी कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। पर एरर भी तो आ सकता है, पर एरर भी तो आ सकता है। मैंने एरर वाला केस भी संभाल लिया, इस केस में हमने क्या बोल दिया, सीएलजी रिसीव एन एरर। तो तुमने यहां पर इन दो लाइंस का यूज करके कनेक्शन क्रिएट कर दिया है बिटवीन योर मोंगो डीबी एंड योर एक्सप्रेस सर्वर। नहीं यकीन तो बेटे रन करके देख लो, अगर नहीं यकीन तो बेटा रन करके देख लो। इतना कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है भाई, कभी कभी गलतियां निकल जाती हैं। सर्वर डॉट जे एस फट गया है, तो कहां पे गलती हो गई, ये क्या हुआ जीवन में संघर्ष। मुझे लग ही रहा था कि मैं इतना हीरो बन रहा हूँ ना, पक्का गलती करूंगा मैं भी। एनपीएम क्यों लिख दिया मैंने, पर मैं तो नोड लिखना था ना भाई, एनपीएम क्यों लिखा मैंने। तो देखो भाई कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, क्या कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ मित्रों, चेक करो क्या हमारा। देखो सर्वर भी स्टार्ट हो गया और कनेक्शन भी सक्सेसफुल हो गया। तो इस प्रकार हमने अपने डीबी को कनेक्ट कर दिया है किसके साथ, हमारे एक्सप्रेस सर्वर के साथ। बहुत बढ़िया। तो तुम आज क्या सीख के जा रहे हो ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तुमने सीखा एक सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, तुमने सीखा सर्वर कैसे एक्टिवेट करते हैं पोर्ट के ऊपर, तुमने सीखा कि राउट्स कैसे क्रिएट करते हैं, फिर तुमने सीखा कि पोस्टमैन से टेस्टिंग कैसे करते हैं, फिर तुमने सीखा कि बॉडी पार्सर की नीड क्यों है। यहाँ पे एग्जैक्टली कमेंट्स के अंदर आपको चीजें डिफाइन करके भी दी है। उसके बाद तुमने सीखा कि MongoDB इंस्टॉल कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है, और MongoDB का कंपस कैसे काम कर रहा होता है। फिर तुमने सीखा कि MongoDB को सर्वर से कैसे कनेक्ट करना है, उसके लिए मोंगूज की नीड पड़ेगी। तो तुमने यहाँ पर ये मोंगूज की दो लाइंस का यूज करके कनेक्ट कर लिया। पहले तो मोंगूज का इंस्टेंस लेके आए यहाँ पर, और फिर तुमने मोंगूज का यूज करके कनेक्ट कर दिया तुम्हारे MongoDB को सर्वर के साथ, जहां पर तुमने दो चीजें बता दी कि सक्सेसफुल सिचुएशन के अंदर ये इस प्रकार काम करेगा और फेलियर वाले सिचुएशन के अंदर ये इस प्रकार काम करेगा। क्या बात समझ में आई मित्र, क्या बात समझ में आई। इतना ही था आज की क्लास के लिए, इतना ही था, ठीक है। एक बार अपने दिमाग को शांत करो, एक मिनट का ब्रेक लो, एक मिनट कुछ भी मत बोलो, एक मिनट कुछ मत बोलो, और इतना ही बस। एक मिनट के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ शांति। डाइजेस्ट करने की कोशिश करो कि हुआ क्या है, डाइजेस्ट करने की कोशिश करो कि हुआ क्या है, ठीक है। तुम्हारे कोई बेवकूफ दोस्त है मेरे पास है, मुझे मैसेज कर रहा है कि कोड हेल्प की टी शर्ट पहन लियो मैं आ रहा हूं। मैंने बोला क्यों, अरे मैंने भी पहनी हुई है इसलिए। क्या बेवकूफ बात हुई है, तुम अकेले बेवकूफ नहीं हो भाई, मेरे दोस्त भी बेवकूफ है, ठीक है। बढ़िया, मैं बोला कोई बड़ा बड़ा प्यारा रीजन आने वाला है कि भाई इसलिए हम कहीं इवेंट में जा रहे हैं, वहां प्रमोशन करेंगे मार्केटिंग। मैंने भी पहन रखी, तू भी पहन, अच्छा बेवकूफ। चलो तो हमने क्या सीखा, फ्रंट एंड के बारे में सीखा, जो अपीयरेंस है, जो स्टाइलिंग है, जो आपके सामने एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, उसको मैं क्या कहता हूँ, फ्रंट एंड कहता हूँ। जो एग्जैक्ट बिहेवियर जहां डिफाइंड है, जहां एग्जैक्ट फंक्शनलिटी डिफाइंड है, जहां एग्जैक्ट इंटरेक्शन डिफाइंड है डेटाबेस के साथ, स्टोरेज के साथ, वो क्या कहता है, वो आपका बैकएंड कहलाता है, या सर्वर भी कह सकता हूँ उसको, राइट। बहुत बढ़िया, ये पूरा का पूरा हमने समझने की कोशिश की, एक रैंडम सा, एक रफ सा अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश की, एक रिक्वेस्ट प्रिपेयर कैसे होती है, ये हमने सीखा यहाँ पे। और आगे हम गए क्लाइंट सर्वर मॉडल देखा, चार प्रकार के रिक्वेस्ट के बारे में बात की हमने, गेट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट। गेट वाली फेच करती है, पुट वाली अपडेट करती है, पोस्ट वाली सबमिट करती है, डिलीट वाली रिमूव करती है। बहुत बढ़िया, क्लाइंट हमेशा एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, सर्वर उसको कंप्यूट करेगा, कैलकुलेट करेगा, इंटरेक्ट करेगा डीबी के साथ, जो भी उसे करना होगा, और उसके बाद एक रिस्पॉन्स सेंड कर देगा वापस क्लाइंट को। ये बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। हम गए हमारे सर्वर क्रिएशन के वाले पार्ट पर, जहां पे एक्सप्रेस का यूज करके हमने सर्वर क्रिएट कर दिया, जहां बेसिकली हमने दो चीजें लिखी, पहला एक्सप्रेस का एक इंस्टेंस उठा के लाए, और एक्सप्रेस के इंस्टेंस को यूज करते हमने सर्वर क्रिएट कर दिया। सिर्फ सर्वर को क्रिएट करने से बात नहीं बनेगी, उसको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा किसी पोर्ट के ऊपर, तो लिसन वाली मेथड का यूज करके सर्वर को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, हम आए सर्वर को लाइव कर दिया हमने इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट का यूज करके। अगर हम राउट्स क्रिएट करना चाहें तो हम राउट्स भी क्रिएट कर सकते हैं किसी प्रकार के जो आपको अच्छे लगे, राइट। तो आपने राउट्स यहाँ पर क्रिएट कर दिए, ठीक है, और उनको डिफाइन करना आपने सीख लिया। पूरे सिंटैक्स आपके कोड में आपको दिया गया, जो कि मैं शेयर कर दूंगा आपको अभी दो मिनट के अंदर अंदर। बहुत बढ़िया, MongoDB के पास है, इंस्टॉलेशन करनी है, सेटअप में टाइम लगाना है, अच्छे से सुंदर तरीके से सेटअप करना है, कोई इशू नहीं आना चाहिए। बैठो सेटअप में टाइम लगाओ, नहीं हो रहा डिस्कॉर्ड में बच्चे बैठे उनसे डिस्कस करो, किसी का हुआ उसकी सहायता लेके सेटअप करो। ऊपर सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक सेटअप करके खुद से कोड रन नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। अगर तुम आज की क्लास को रिपीट किए बिना
ये सोच रहे हो कि तुम्हें कल की क्लास समझ में आ जाएगी, इम्पॉसिबल। कल बैठ के रो रहे होगे कि नहीं समझ में आ रहा, पैसे खराब हो गए, या तो इसको पढ़ाना नहीं आता या तो हमारा दिमाग कमजोर है। दो ही डाउट आएंगे, दो ही एक्सक्यूज आएंगे सिर्फ, या टीचर खराब है या तुम खराब हो, दो ही चीजें होंगी। आज रिपीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोड मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, देख लेना, खुद से चला के देख लेना। बहुत बढ़िया, NoSQL डेटाबेस है, ओपन सोर्स डेटाबेस है, मेनली नोन फॉर स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। और यहाँ पर डेटा जो है डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, और एक्सेट्रा कुछ और फॉर्मेट्स भी होंगे पक्का, उनकी फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, MongoDB के केस में हमने क्या बोला कि हम एक्सेस कर सकते हैं आपके डेटाबेस को शेल के द्वारा भी, और आपके एक यूजर इंटरफेस टूल जिसे MongoDB कंपस कहते हैं उसके द्वारा भी। तो हमने MongoDB कंपस को एक बार चला के देख लिया, जहां पे हमने क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, चारों के चारों ऑपरेशन करके देख लिए। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आती है। फिर हमारे यहाँ पे मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने ODM की आपको गलत फुल फॉर्म बताई। नहीं है फुल फॉर्म याद मुझे, ठीक है, मैं नहीं करता फुल फॉर्म याद। ठीक है, क्या बोला मैंने, बोलता ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपिंग, मुझे अभी भी सही लग रही है पता नहीं क्यों, पर ठीक है। इसके असली फुल फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग। मुझे याद है किताब 9th या 10th क्लास की, और हिंदी की किताब थी जहां तक मुझे याद है। वहां पे एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर कोई विद्वान व्यक्ति, जो नहीं, APJ अब्दुल कलाम पूछते हैं शायद टीचर से कि जब ये सारी की सारी चीजें, स्टैट्स जो हैं, जो नंबर्स हैं ऑलरेडी बुक के अंदर डिफाइंड है, तो मैं इनको रटूं क्यों, मैं बुक में से देख लूंगा ना भाई, तुम्हारा जो एजुकेशन सिस्टम है मुझसे एक्सपेक्ट क्यों कर रहा है कि मैं इनको रटूं। तो वो चीज मुझे हिट कर गई, तो तब से मैंने फुल फॉर्म याद करनी छोड़ दी। ठीक है, तो अगर हमें कनेक्ट करना है तुम्हारे इस एक्सप्रेस सर्वर को, नोड जेएस सर्वर को MongoDB के साथ, तो मुझे मंगूज का यूज करना पड़ता है। एक प्रकार की लाइब्रेरी है जो कि इन दोनों कनेक्ट करने के काम आती है। तुम स्कीमा क्रिएशन भी कर सकते हो इससे, वैलिडेशन भी कर सकते हो, पर ये सारे वर्ड अभी समझ में नहीं आएंगे जब तक इनको अप्लाई नहीं करेंगे। राइट, मुझे याद नहीं किस व्यक्ति ने बोला था, पर किसी ने तो बोला था भाई। ठीक है, मंगूज का सेटअप तुम्हें बता दिया, कुछ भी नहीं है, एक सिंपल कमांड चलानी है, npm install mongoose, लो जी रन हो गया। और फिर तुमने यहाँ पर दो कमांड चलाई, पहला मंगूज का इंस्टेंस लेके आया, मंगूज इज इक्वल टू रिक्वायर मंगूज करके, और उसको तुमने कनेक्ट कर दिया तुम्हारे MongoDB और Node.js का। तुमने बोला मंगूज डॉट कनेक्ट, तुम्हारा MongoDB का URL, कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड करी, और दोनों सिनेरियो डिफाइन कर दी, सक्सेसफुल केस में क्या होगा और रिजेक्शन वाले केस में क्या होगा। तो इस प्रकार हमने आज की चीजें पूरी कंप्लीट कर ली है, आज का टारगेट हमारा कंप्लीट कर लिया है। मेक श्योर आपके दिमाग में ये चीज हमेशा रहे कि आपने बैकएंड की आज पहले ही क्लास देखी है। आज अगर डर के भाग गए तो आगे की सिर्फ 3 हफ्ते की मेहनत और है। सिर्फ 3 हफ्ते टिक जाओगे तो पूरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। राइट, मुझे पता है उसका मेजर प्रोजेक्ट पेंडिंग है, हम करेंगे, पर पढ़ाई वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, कुछ नया नहीं बचा होगा। 3 हफ्ते की मेहनत है, लग के कर लो यार, 3 महीने मेहनत करी है ना यार, 3 महीने अगर तुम नहीं डरे तो अब 3 दिन में क्यों डर जाओगे। राइट, सिर्फ 3 हफ्ते और, ठीक है, सिर्फ 3 हफ्ते, सिर्फ 3 हफ्ते। ठीक है, तुम्हें अगर 10% भी समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं, नॉर्मल है, वो नॉर्मल है। कृपा करके इस क्लास को रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। बिगिनर